साउंड कैमरा रिकॉर्डिंग ओके। चलिए अच्छो गुड इवनिंग प्रभु। अगर आपको याद हो तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं टैक्स कैलकुलेशन की ओर, हम आगे बढ़ चुके हैं पहले टैक्स कैलकुलेशन का रिवीजन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज रिवीजन करके आए होंगे। मैंने आपको दो चीज रिवाइज करने बोली थी। पहला, जितना हमने आज पढ़ा था वो पूरा का पूरा घर के अंदर में रिवाइज करना था, से यस राइट। और दूसरी चीज जो आपको करनी थी वो आपको 6 होमवर्क को सॉल्व करके आना था प्रैक्टिस पर्पज के लिए राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे टैक्स रेट से। हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी राइट। मुझे TDS के रेट जानना है, पता नहीं मैं कैसे कहां जाऊं मैं, मेरे को TDS के रेट जानना है, शेड्यूल 2 टू द फाइनेंस एक्ट। और मुझे नॉर्मल स्लैब रेट जाना है तो मैं कहां जाऊं, शेड्यूल 1 टू द फाइनेंस एक्ट। मुझे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जानना है, कहां जाऊं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में आना होगा, से यस राइट। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने एक और बात करी थी कि भैया जो टैक्स रेट है, ये जो टैक्स रेट है राइट, नॉर्मल और स्पेशल दो प्रकार के होते हैं। तीसरी बात हम लोगों ने करी थी, टैक्स रेट हर एसएससी के लिए डिफरेंट है। तो हमने सबसे पहले नॉर्मल इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP के लिए चालू किया। इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF AOP BOI AJP, इन सभी के लिए इनकम अप टू 2,50,000 क्या रहेगा बेटा, निल। 2,50,000 टू 5 लाख कितना परसेंट बेटा, 5%। 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट बेटा, 20%। एंड अबाउ 10 लाख कितना परसेंट बेटा, 30%। क्या आज इंडिविजुअल के पास एक ऑप्शन है टू पे द टैक्स एज पर ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 115BAC? यस, उसके पास एक ऑप्शन है राइट। क्या डिफरेंस है दोनों ऑप्शन के अंदर में, एक या तो आप ऑल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन जितने भी इनकम टैक्स में लिखे हुए हैं एलिजिबल हैं, आप वो ले लो और इस स्लैब रेट से पे करो, या फिर ऑल्टरनेटिव टू 115BAC कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको छोड़ने होंगे और आपको अलग टैक्स रेट अप्लाई होगा राइट। जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं हमें टैक्स के अलावा कुछ और फर्दर पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन से पॉइंट हुए, पहला रिबेट। रिबेट की कितनी कंडीशन है, 3, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट। टोटल इनकम, टोटल इनकम की जब बात चल रही है, नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम, आप कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 लाख, तो रिबेट कितना मिलेगा, लोअर ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक इनकम ऐसी है जिसमें से रिबेट नहीं मिलता, 112A, सो रिबेट इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 112A। दूसरी बात, क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है या HEC भी आएगा, HEC विल बी एट द रेट ऑफ 4%। 4% ऑफ व्हाट, इनकम या टैक्स पेबल, टैक्स पेबल आफ्टर सरचार्ज और रिबेट इफ एनी राइट। आपकी जो टोटल इनकम है और टैक्स है इन दोनों को राउंड ऑफ किया जाएगा इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। लास्ट फिगर अगर मेरा 3 है, लोअर साइड हायर साइड, 4 है, 5 है अपर साइड, याद आ रहा है आपको मालिक राइट। इसके बाद हम गए थे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को समझने के लिए। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 111A का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 15%, 112 का होगा तो 20%, 112A का होगा तो अबव 1,10%, लॉन्ग टर्म अंडर 112 का कितना, 20%। यस, कैजुअल इनकम दैट इज लॉटरी विनिंग गेम शो 30%। यस, आखिरी के दो हमने पढ़े नहीं। अगर प्रॉब्लम में सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है हम क्या अज्यूम करेंगे, नॉर्मल स्लैब रेट। अगर प्रॉब्लम में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है हम क्या अज्यूम करेंगे, 112। क्लियर है मालिक। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, इफ असेसी कैनॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इफ असेसी कैनॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्या हम स्पेशल इनकम को यूज कर सकते हैं, यस। स्पेशल इनकम में भी कौन सी वाली, सिर्फ कैपिटल गेन, यस। कैजुअल इनकम यूज कर सकते हैं, नहीं। एंड बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट, याद है तुमको मालिक राइट। इसके बाद में हम लोगों ने सरचार्ज को पढ़ना शुरू किया था, सरचार्ज अगर मेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन, मैं 111, 112 और 112 अब बोलने का कोई सेंस नहीं बनता राइट। अगर मेरी इनकम इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं जा रही, क्या मुझे कोई सरचार्ज लगने वाला है, नहीं। अगर मेरी इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 50 लाख रुपीज से ऊपर अप टू 1 करोड़ रुपीज है, द सरचार्ज रेट विल बी 10%। अगर मेरी इनकम अबव 1 करोड़ है अप टू 2 करोड़ रुपीज इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, 15% ऑन ऑल द इनकम, यस। अच्छा, अब यहां पे कॉन्सेप्ट तो एकदम सही है, यहां पे एक यू नो टाइपोग्राफिकल एरर है,
मैं चाहूंगा आप इस टाइपोग्राफिकल एरर को सुधारें। यहां 4 पॉइंट और 5 पॉइंट में इंक्लूडिंग वर्ड लिखा है, इसे एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। यहां पे भी एक्सक्लूडिंग होना चाहिए, यहां पे भी एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। ये टाइपोग्राफिकल एरर है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप इसे सुधार ले। पेज नंबर 1.8, पेज नंबर 1.8, इसमें जो सरचार्ज के पॉइंट में फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, यहां पे इंक्लूडिंग वर्ड कट होके एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट और एग्जांपल जो हमने करे थे वो एकदम करेक्ट है, वहां कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहां पे वर्डिंग में टाइपोग्राफिकल एरर है, इस एरर को आपको सुधारना है। ठीक है, अच्छा, अगर मेरी इनकम अदर इनकम, अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है और साथ साथ में कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम भी है, तो अदर इनकम पे कितना लगेगा? 25%, और कैपिटल गेन एंड डिविडेंड्स पे 15%। अगर मेरी अदर इनकम 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो अदर इनकम पे कितना लगेगा बेटा? 37%, और कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे कितना लगेगा? 15%। यस, यहां तक का पॉइंट हम लोगों ने कर दिया था, हमने फोर्थ किया था, फिफ्थ और सिक्स्थ अभी तक हमारा बाकी है। यस, एट द सेम टाइम मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे, मैं चाहता हूं हम सबसे पहले होमवर्क लिखे। अब जब भी आप होमवर्क सॉल्व करेंगे, इन शॉर्ट जब भी आप क्लास के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं चाहता हूं आप एक पैटर्न डेवलप करें। इसको सॉल्व करते वक्त पैटर्न ये रहेगा, आप जब भी लिखेंगे ऐसा लिखेंगे इसे, प्रॉब्लम नंबर 1/page number 10। इससे फायदा क्या होगा, जो भी आपका रजिस्टर है इससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, मतलब कहां पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, आपके रजिस्टर में आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कहां लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम अगर पॉसिबल है तो प्लीज 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 आपके रजिस्टर को भी पेज नंबर दीजिए, आप जो रजिस्टर लिख रहे हैं इसे भी पेज नंबर दीजिए, ताकि आप यहां पे आकर के, लेट से आपका पेज नंबर 37 बनता है तो आप 37 डाल सके। इससे फायदा ये होगा मेरे बच्चे, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, राइट, आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे रजिस्टर में सॉल्व किया गया है। यस, कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे सॉल्व किया गया है। तो आज सिर्फ होम में एक एक्सरसाइज कर लेना कि बॉस आप जाकर के पेज नंबर रजिस्टर को दे दो, या फिर कोई डिस्कशन चलता रहेगा तो पेज नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आपको नंबर डालना है डालना चालू कर देना। डन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क का। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बाहुबली एज 43। एज 43 है मतलब वो सीनियर सिटीजन तो नहीं है, राइट, हैविंग द फॉलोइंग इनकम। क्वेश्चन है नॉर्मल टैक्स एंड रिबेट के ऊपर। आपका टोटल इनकम बन रहा है पीजीबीपी प्लस डिविडेंड मिला करके 1,50,000। दो सवाल पूछना चाहूंगा, पहला सवाल, क्या डिविडेंड के ऊपर कोई स्पेशल रेट है या वो नॉर्मल रेट में काउंट होगी? नॉर्मल रेट के अंदर में काउंट होगी। दूसरा सवाल, क्या मेरी टोटल इनकम लेस देन 5 लाख है, क्या रिबेट मिलेगा? पक्का मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए जब आंसर सॉल्व करोगे यू शुड राइट दिस, बाहुबली असेसमेंट ईयर 23-24 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। यस, ऑफिस में एक्सेल शीट बनाते हो तो क्लाइंट को भी बता करके देते हो, क्लाइंट का नाम डालते हो, असेसमेंट ईयर डालते हो, ये हमें डालना पड़ेगा। क्या होगा इससे? मार्क्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशन। यस, अब लाओ पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स। हाँ जी बताइए साहब, आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? क्या मैं कह सकता हूं 4,50,000? यस, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन माइनस किया जा सकता है, हाँ या ना? 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दीजिए, आपका बन जाएगा बैलेंस। कैलकुलेटर भाई साहब जल्दी से आ जाओ, 4,50,000 माइनस 2,50,000। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, मार्क्स अगर आपको ज्यादा लेकर के आने हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो। इसमें टैक्स रेट लगाओ 5% का, टैक्स लाइबिलिटी बाहर आ जाएगी। एवरीबॉडी जल्दी से बताओ टैक्स लाइबिलिटी कितनी आनी है मेरे बच्चे? 10,000। यस, इसमें से क्या माइनस करोगे मेरे बच्चे? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। पूरे 10,000 रिबेट में हटा दूं मालिक तो मेरा टैक्स क्या आ गया बेटा? निल। बराबर है, फॉर्मेट बनाओगे, एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन अच्छा दोगे, मार्क्स भी लेके जाओगे। डन, आंसर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका बाकी है, एक मिनट के लिए लिख लो, अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो फोटो ले लो। तो पहले का जवाब निल, एचईसी लगाने का कोई काम नहीं है।
प्रॉब्लम नंबर टू, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रंगा एज 40 ईयर, मतलब अगेन सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट में हमने स्पेशल इनकम कवर किया हुआ है। कौन सी इनकम यहाँ पे स्पेशल इनकम दिख रही है? मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही एक ऐसी इनकम है जो स्पेशल इनकम में दिख रही है। अब हमारे पास दो मेथड है, एक शॉर्टकट वाला मेथड था अपना, एक वो वर्टिकल फॉर्मेट वाला मेथड था। उम्मीद करता हूँ दोनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो आपने वो सॉल्व किया होगा। मैंने आपको दोनों सिखा दिया मार्केट में जो एप्लीकेबल है। चलो प्रॉब्लम नंबर 2/10, कौन है भैया ये? रंगा, असेसमेंट ईयर 23-24, नहीं लिखा होगा होमवर्क में, ये सब अभी ऐड करो, खाली नहीं बैठने का। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स, इसको मैं ए नाम दे देता हूं नॉर्मल इनकम, ठीक है, यहीं पे ही बी स्पेशल इनकम, पर्टिकुलर्स रुपीस एंड टैक्स। यहां पे सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 लिखा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 40,000, पूरे 40,000 लेने पड़ेंगे सर मेरे को, 40,000 × 20% विल दैट बी 8,000 रुपीज, तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स मेरा 8,000 रुपीज आ गया सर, ठीक है। ये फॉर्मेट प्यार वाला। इसके अलावा जो भी इनकम बची क्या हम इसे कहां डाल सकते हैं मेरे बच्चे? नॉर्मल में डाल सकते हैं। नॉर्मल में मेरी टोटल इनकम आई 7,80,000, डू यू अग्री? सो यहां पे मैंने डाली टोटल इनकम 7,80,000, इसमें से इनकम अप टू बोलो बेटा 5 लाख, वेरी गुड, कितना आने वाला है? 12,500, बहुत शानदार, सही जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो। इसमें से 5 लाख हटा दिया तो बचता है बेटा 2,80,000। एवरीबॉडी जोर से चिल्लाओ, टैक्स रेट कितना परसेंट रहेगा? 20% लगा दूं, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? यस, विल दैट बी 56,000 ब्रो? सो टोटल आ जाएगा 68,500। यस और नो? यस। देयरफॉर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरा टैक्स लाइबिलिटी ए प्लस बी दोनों मिला करके कितना हो रहा है? कैसी बातें कर रहा है भाई, 76,500 में तेरी शादी करा दूंगा, बता रहा हूं मैं तेरे को। हाँ तो रिबेट लगेगा लगेगा लगेगा, ठीक है लगेगा, मैं बता रहा हूं लगेगा। हाँ चल लगा दे रिबेट, लगा दो लगा दो। अरे लगा दो यार, देखो ना स्पेशल इनकम कम है, लगाएंगे? नहीं। टोटल इनकम कैसा बेटा? टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट तो लगने नहीं वाला, लेकिन अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। एचईसी कितना परसेंट मेरे दोस्त? 4%। ले भाई 30,60,79,560 शुड बी योर आंसर। इफ दिस इज योर आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, अपने आप को शाबाशी देना जीवन में। 79,560 शुड बी योर आंसर। जिसने नहीं किया होगा प्लीज इसे सॉल्व कर लीजिए या फोटो ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे। यस, ऑनलाइन में इंदुलखी शिवानी दोनों ने सही जवाब निकाला है। डन है जी, बहुत बढ़िया। दो क्वेश्चन डन, मैं आ रहा हूं थर्ड क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ खालिया एज 52 ईयर्स। यहां पे भी स्पेशल इनकम की बात चल रही है, लेकिन अब एक के जगह कितनी स्पेशल इनकम दिख रही है यहां पे? दो। कौन कौन सी दो स्पेशल इनकम दिख रही है? लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों स्पेशल इनकम दिख रही है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी शॉर्ट टर्म था, लेकिन वहां पे 111 दिया हुआ नहीं था, और जब तक 111 ना दिया हो मोटा भाई लेने का नहीं। क्लियर है? अच्छा जी, 40 और 30, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3,
कालिया असेसमेंट ईयर 23-24 कंप्यूटेशन दो पार्ट में डिवाइड करो, नॉर्मल स्पेशल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया है बेटा? 40, 30 इज दिस 8,000, दिस इज 4,500, 12,500। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% रहता है, इसीलिए 20% लिया, वो भी 112 वाला है, 12 ए वाला नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे 15% रहता है, तो हम लोगों ने 15% लिया, राइट। हाँ, बची हुई जितनी इनकम है सब अदर में चले जाएगी, ये बन रहा है 8,50,000 रुपीज, राइट। सो ये बना आपका टोटल इनकम 8,50,000। इधर आना है टैक्स का कॉलम, बताइए इनकम अप टू, बोलो बेटा 5 लाख, इज इट 12,500? यस। बैलेंस 8,50,000 माइनस 5 लाख, इज इट 3,50,000 ब्रो? इस पे टैक्स रेट मुझे याद नहीं आ रहा, इज इट 70,000 ब्रो? टोटल कितना हो गया ब्रो? 82,500। एवरीबॉडी सब कंफर्टेबल? सोचो कल की मेहनत आज रंग ला रही है, हम जल्दी जल्दी क्यों कर पाए? अब यही चीज आप सोच के देखिए, 3 दिन पहले तक के हमें यह भी नहीं पता था पेपर पे इसे प्रेजेंट कैसे करना है। मैं ये नहीं कहता हूं हमें समझता नहीं था टैक्स कैसे निकालता है, मैं ये कहता हूं हमें पता नहीं था प्रेजेंट कैसे करते और इसको स्पीड में कैसे लेके आते। यस, चलिए अब दोनों को ऐड कर रहा हूं सेठ, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, ओ मोटा भाई बुरा नहीं लगना चाहिए, बोलो हाँ। टोटल टैक्स ए प्लस बी 95,000, 95,000 में अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, इज इट 3,800? टोटल आ गया मोटा भाई 98,800, ये आपका टैक्स बन गया। आप सेम चीज को वर्टिकल फॉर्मेट में कर दो, इस वाले टेबल को यहां लेके आ जाओ तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा, सिर्फ उसमें ये वाले पार्ट को हम इधर रख रहे, आप उसको उधर रखोगे, कुछ नया नहीं करने वाले आप, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट पे फोकस करो, प्रेजेंटेशन बदल सकता है, ठीक है। कपड़ा वही है साहब, बात समझिएगा, उसे मोटा व्यक्ति पहनता है, पतला व्यक्ति पहनता है, विथ बॉडी, लुकड़ा, इससे प्रेजेंटेशन बस बदल जाता है, कपड़ा नहीं बदलता, ठीक है भाई जी। तीसरा भी डन हो गया। फोर्थ, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर माइक्रोमैक्स एज 56 ईयर्स हैविंग फॉलोइंग इनकम। चलो मैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स निकाल लेता हूं, प्रॉब्लम नंबर 4, 60 एंड 50। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बेटा? 60 एंड 50। सो 60,000 इंटू 20%, 50,000 इंटू 15%, बोलो बेटा 12,700, 7,500। टोटल कितना हुआ बेटा? 19,500, बराबर है। अदर इनकम कितनी हुई बोलो मेरे बच्चे? 10,80,000,
यहां पे टैक्स का कॉलम मैंने अलग निकाल दिया। बताइए इनकम अप टू 10 लाख, क्या मेरे बच्चे को 10 लाख तक के टैक्स का शॉर्टकट पता है? इज इट 1,12,500? यस। जो भी बैलेंस बचा, बैलेंस कितना रहा बेटा? 80,000। इस पे टैक्स रेट अब 30% आएगा। दिस विल कम टू 24,000। टोटल बोल मेरे भाई कितना होने वाला है? 1,36,500, करेक्ट? 1,36,500, 1,36,500 प्लस 19,500, 4%, 10 है मेरे भाई। चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 बताइए। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर स्टार्क एज 55 ईयर्स हैविंग द फॉलोइंग इनकम। अब धीरे से हम लोग सरचार्ज के क्वेश्चन पे शिफ्ट हुए थे, राइट? वहां पे उसके बाजू में कॉन्सेप्ट भी लिख के रखा है कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 62 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 2 लाख, यहां तक के तो समझ में आ गया दैट इनकम इज रेंजिंग बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ वाला ब्रैकेट। दैट इज द फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, राइट? दैट इज द फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर आप देखोगे 72 लाख प्लस 8 लाख, इन टोटल 80 लाख हो रहा है क्या मालिक? चेक करो, 62 प्लस 8 70 78 प्लस 2 80 80 लाख का टोटल गेम है, जिसमें से दो चीजें स्पेशल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों पे सरचार्ज रेट तो सेम ही है। कितना परसेंट बोलो जल्दी से? 10% विल बी द सरचार्ज रेट, 10% विल बी द सरचार्ज रेट। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ रुपीज है तो सरचार्ज रेट विल बी 10%। सो यहां पे 10% आएगा, बाकी टैक्स तो वैसे ही निकालेंगे हम। बनाते जाओ स्टार्क असेसमेंट ईयर 23-24, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्लीज हेल्प करो मेरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? हाउ मच? 8 लाख इंटू 20% एंड शॉर्ट टर्म 2 लाख इंटू 15%, परफेक्ट। सो 8 लाख इंटू 20% इज इट 1,60,000? 2 लाख इंटू 15% इज इट 30,000? टोटल विल कम्स टू 1,90,000, डू यू अग्री? टोटल विल कम टू 1,90,000। अब जो भी बचता है ये क्या बचेगा बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल कितना आ रहा है? टोटल इनकम कितना होने वाला है? 70 लाख। इसमें से इनकम अप टू 10 लाख तक का टैक्स तो देख भाई अपने को पता है, 1,12,500। जो बैलेंस बच गया 60 लाख बच गया, ठीक है? इस पे टैक्स रेट जो लगने वाला है वो कितना परसेंट लगेगा? 30%। इज इट 18 लाख? टोटल 19,12,500। अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में?
HEC गलत। यहां पे अब क्या ऐड होगा? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। कैन आई से 210250? सरचार्ज, सी 10% किसी भी चीज का निकालना है, एक जीरो कट कर देने का पीछे से, या जो भी लास्ट फिगर है उसको हटा देने का, आप ऑटोमेटिकली 10% पे पहुंच गए। 1% करना है तो लास्ट के दो फिगर कट कर देना, 1% पे पहुंच गए। यस, सो 210500 प्लस 210250, द टोटल कम्स टू 23,12,750। एड HEC एट द रेट ऑफ 4%, 92,510। सो टोटल विल कम टू 24,05,260, दैट इज 24,05,260। अग्री और डिसअग्री? अग्री, यस। तो यहां पे क्या सीखा हमने? सरचार्ज का कॉन्सेप्ट सीखा। चेक, डन है? क्वेश्चन नंबर 6, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एज होमवर्क, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एज होमवर्क। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ थाइनॉस। पूरा मार्वल ही चल रहा है इधर। एज 33 ईयर्स, अगेन द क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये अगेन उसी ब्रैकेट का क्वेश्चन है, ये अगेन सेम उसी ब्रैकेट का क्वेश्चन है। मेरे को सिर्फ फाइनल आंसर बता दो। 21,07,00, ये इसका आंसर है। ये एक एक करके सॉल्व नहीं कर रहे अपन, उसी ब्रैकेट का आंसर है, सेम वे से ही निकलेगा। सो 21,30,700 शुड बी योर आंसर। यस, चलिए आज के लिए होमवर्क 7, 8 और 9 तीनों भी आपके लिए होमवर्क है आज का। क्लास में जो एग्जाम्पल करा रहा हूं उसको हम प्रॉब्लम में काउंट नहीं करते बेटा, वो बोनस है, प्रॉब्लम आपके इतने ही है। लेकिन मैं श्योर हूं जब आपको एग्जाम्पल पूरे जम जाएंगे तो ये आपको आसानी से आएंगे। डन, चलो आते हैं आगे के कंसेप्ट पे। एवरीबडी प्लीज बी विथ मी ऑन पेज नंबर 1.8। हमने फोर्थ पॉइंट तक के सब कुछ डिस्कस किया था, बारी है फिफ्थ पॉइंट की। यस, फिफ्थ पॉइंट की। अगर आपकी टोटल इनकम, कैसे बेटा, आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम को छोड़ के, अगर आपकी बैलेंस इनकम 5 करोड़ से ऊपर जाती है, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम को छोड़ के, मैंने यहां पे आपसे करेक्शन करवाया, इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग वर्ड ऐड कराया पॉइंट नंबर 4 एंड 5 में। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 5 करोड़ से ऊपर जाती है, मतलब कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम को छोड़ के आपकी अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर जाती है, तो वो जो अदर इनकम है उस पर सरचार्ज रेट कितना होगा? 37%। और कैपिटल गेन एज वेल एज डिविडेंड पे तो वैसे ही एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा? 15%। यहां पे देख लीजिए 37%, 15% अगर आपकी अदर इनकम जाती है तो। एग्जाम्पल नंबर 9.1, एग्जाम्पल नंबर 9.1, सपोज आपका PGBP इनकम जा रहा है 7 करोड़, आपका HP कंप्यूटेड जा रहा है 60 लाख, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A जा रहा है 11 लाख, आपका डिविडेंड इनकम जा रहा है 13 लाख,
एंड नाउ योर टोटल इज सेवन करोड़ 84 लाख, करेक्ट? ट्राई करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था एनहांस सरचार्ज लगते ही एक नया फॉर्मेट यूज करो, ठीक है? मैं चाहता हूं कि प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करें, क्योंकि इसमें ना एक भयानक एडजस्टमेंट है, और आज ही के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं आपको टैक्स प्लानिंग भी सिखाऊंगा, मैं आपको टैक्स प्लानिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे हम हमारे क्लाइंट के लिए डिसीजन लेंगे अगर हमें ये फैक्ट्स पता चले। तो मार्क दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, और इसके आगे लिखिए टैक्स प्लानिंग, ठीक है? इसके आगे भी लिखिए टैक्स प्लानिंग। मुझे बताइए इसमें से स्पेशल इनकम कौन सी है? देयर इज ओनली वन, 112 वे, राइट? बट सरचार्ज का कॉन्सेप्ट के लिए एक इनकम रहेगी या दो इनकम रहेगी जिन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं? दो इनकम रहेगी जिस पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं। अब देखिए इशू क्या है, डिविडेंड इज नॉट अ स्पेशल इनकम, डिविडेंड इज चार्जेबल एट अ नॉर्मल स्लैब रेट, पर सरचार्ज का कॉन्सेप्ट जब आता है तब डिविडेंड सरचार्ज के एंगल से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर लिमिट पे। अब देखिए टैक्स किस तरीके से होगा, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और जाहिर सी बात है इसके आगे के दो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के रहेंगे वो आप सॉल्व करना, मेरे साथ फॉर्मेट बना लो जब तक के पर्टिकुलर्स, यहां पे हम क्या निकालते हैं, टैक्स, याद आ रहा है आपको? टैक्स के आगे क्या निकलता है, सरचार्ज, सरचार्ज के आगे क्या निकलेगा, टोटल, टोटल के आगे क्या निकलेगा, एचईसी, और एचईसी के आगे क्या निकलेगा, अगेन टोटल, ठीक है? अब सबसे पहले स्पेशल लोग आए हैं, स्पेशल लोगों की खातिरदारी कर दो, कैन आई से द टैक्स विल बी 1 लाख, दैट इज 10 लाख इंटू 10%, 10 लाख इंटू 10%, बराबर? हाँ, अब आप मुझे बताइए बाकी की इनकम पे कैसे निकालें टैक्स, अब आप मुझे बताइए बाकी की इनकम पे टैक्स कैसे निकालें? पीजीबीपी, एचपी और डिविडेंड, इस पे तो टैक्स जो निकलेगा ये नॉर्मल तरीके से निकलेगा। अब जो कहने जा रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो अगर स्पीड में होगा तो उसको स्लो कर लेना, और एक मिनट के लिए भी ध्यान मत भटकाना नहीं तो आप भटक जाओगे। अभी तो मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं और फिर टैक्स प्लानिंग बताऊंगा। अब अगर आप देखो तो सबसे पहले 7 करोड़ के ऊपर आपको टैक्स निकालना होगा। जनरल रूल क्या करते हैं, हम 7 करोड़ ऐड कर देते थे, ध्यान से सुनना, जनरली हम क्या करते थे, 7 करोड़ ऐड कर देते थे, 60 लाख ऐड कर देते थे, और 13 लाख को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, और उसके ऊपर टैक्स निकालते थे। लेकिन जब इस फॉर्मेट को आप बनाओगे तो इसको शो करना मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके से तो आप निकाल नहीं पाओगे, इसको शो करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इनमें सरचार्ज के भी डिफरेंस है, यानी टैक्स तो दिखाना जरूरी अलग अलग है आपको, अब करोगे तो करोगे क्या? ऐसे केस में आपको 7 करोड़ पे आप जैसे टैक्स निकालते हो नॉर्मल वैसे निकालो, ठीक है? बड़ा ध्यान से सुनना, लिखना मत, सिर्फ सुनना। 7 करोड़ में से पहले 10 लाख तक का टैक्स आपको पता है 1,12,500, डू यू अग्री? Yes, बचता जो आपका 6.90 करोड़ है, इसके ऊपर आप कितना परसेंट लगाओगे, 30%, एवरीबॉडी, यानी क्या मैं कह सकता हूं 10 लाख के ऊपर का जितना इनकम है वो सब 30% पे जाएगा? अग्री डिसअग्री? 10 लाख के ऊपर का जितना इनकम है ये सब 30% पे जाएगा, यानी अब अगर आपका दिल गवाही दे क्या मैं कह दूं
थर्टीन लाख इंटू 30%, 60 लाख इंटू 30% डायरेक्टली। मैं ये क्यों कर रहा हूं अलग अलग? टैक्स तो मैं वैसे ही निकाल रहा हूं नॉर्मल स्लैब रेट से, लेकिन द मोमेंट आप 10 लाख रुपीज के ऊपर गए, द मोमेंट आप 10 लाख रुपीज के ऊपर गए, इवन अ सिंगल रुपी विल फेच 30% टैक्स रेट। सो 7 करोड़ में से जैसे ही मैंने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट करी, जैसे ही मैंने इधर से 10 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड अदर चीजें एडजस्ट करी, बाकी सारी इनकम कितने परसेंट पे चले गई? 30%। यानी मैं स्ट्रेट अवे डिविडेंड पे 30% और एचपी पे भी 30% लगा दूं। किसी के मन में ये तो सवाल नहीं ना, सर ये इनकम तो स्पेशल इनकम है ही नहीं, आपने 30 क्यों लगाया? मैं 30 यहां पे स्पेशल रेट के हिसाब से नहीं लगा रहा हूं, नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगा रहा हूं, क्योंकि एवरी इनकम बियॉन्ड 10 लाख विच इज टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट, 10 लाख के बियॉन्ड जितना भी इनकम आ रहा है मेरे भाई, वो वैसे ही 30% पे जा रहा है। यानी डिविडेंड को भी मैं 30% पे प्लेस करूंगा, एचपी को भी 30% पे प्लेस करूंगा। और रही बात 6 करोड़ 90 लाख की, यहां पे कितना टैक्स निकलेगा बेटा? 20 लाख, वेट, 6 करोड़ 90 लाख इंटू 30%, 2 करोड़ 70 लाख, बराबर। टोटल टैक्स कितना हुआ? 2081250। ये देखो मैंने यहां पे डाल दिया, सबको समझ में आया? यस और नो, जितने लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से बताओ, आपको समझ में आया यस और नो? आपको यहां पे जितने लोग बैठे हैं सबको समझ में आया? मैंने डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड का टैक्स रेट 30% है क्या? नहीं, हम नॉर्मल स्लैब रेट ही लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं बेटा? नॉर्मल स्लैब रेट ही लगा रहे हैं। यहां पे 60 लाख इंटू 30%, बोलो कितना? इज इट 18 लाख? ये लो 18 लाख मैंने यहां डाल दिया, दैट इज 60 लाख इंटू 30% नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से। यहां पे 13 लाख इंटू 30%, ये कितना हुआ बेटा? 3,90,000। एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? क्या टैक्स रेट 30% है क्या एचपी और डिविडेंड में, या नॉर्मल स्लैब रेट से ही निकल रहा है? नॉर्मल स्लैब रेट से ही निकल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ गया मेरे भाई, मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ गया मेरे भाई क्योंकि डिविडेंड के ऊपर जो सरचार्ज रेट है और नॉर्मल इनकम पे जो सरचार्ज रेट है, ये अलग अलग है। अब आप मुझे बताइए कौन सी इनकम पे 15% लगाना है और कौन सी इनकम पे 37% लगाना है? पीजीबीपी पे 37% लगेगा, यस और नो? अदर इनकम है, एचपी पे 37% लगेगा, लॉन्ग टर्म पे 15%, डिविडेंड पे 15%। समझ गया आपको कंसेप्ट, राइट? सो यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा 37%, यहां पे लगेगा 37%, बट दीज इनकम विल बी लाइबल टू सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। यस, निकालो। इज इट 1,50,000? नहीं रे, 15,000 ओनली, ये 1,15,000 होगा, यहां 3,90,000 इंटू 15%, इज इट 58,500? ये कितना होगा? ठीक है। अच्छा, कल मुझसे ऑनलाइन वाले बच्चे ने एक सवाल पूछा, सर मैं इसका टोटल करके डायरेक्टली इस पे ही 4% निकाल दूं तो वो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? 4% तो आप वैसे निकाल रहे हो अलग अलग का ना निकाल के, हो सकता है इसको ऐड कर दो, इस पे सीधा 4% निकाल लो और टोटल ही यहां डाल दो,
ये भी चलेगा, बट अगर इतना बड़ा फॉर्मेट बनाया ही है तो पूरा लिखने में तकलीफ क्या है, रीटैली कर लेना बस कैलकुलेट करके कि सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया है, बाकी बिल्कुल चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पहले वाले का फाइनल आंसर, टू करोड़ 96,53,650। फाइनल आंसर इज 3,28,04,330। आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, डन कर देंगे। बताइए सर, ये पूरा टेबल जहां जहां आपने नहीं लिखा है प्लीज लिखिए। हाईलाइट दिस, हाईलाइट दिस। आई होप आपको समझ में आया हर एक का टैक्स अलग निकालना क्यों जरूरी था। हम चाहते तो टोटल का टैक्स भी निकाल लेते, बट हर एक का निकालना इसलिए जरूरी था बिकॉज सरचार्ज रेट डिफर्स ऑन ऑल द इनकम। सर जी डन है, बराबर। अब यहां पे एक और ओपिनियन अराइज हो सकता है, ये आपका अगर हो गया हो, ऑनलाइन वालों आप भी अप्रूवल दे दो, हो गया है। सर जी डन है। अब यहां पे देखो, ये हुआ एक ओपिनियन, बराबर है। मैंने जो 10 लाख, अप टू 10 लाख या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो एडजस्ट किया, ये मैंने पीजीबीपी से एडजस्ट किया, सम स्टूडेंट्स में से। सर आप इसे एचपी से भी एडजस्ट कर सकते थे, टैक्स से निकालना है ना, आप इसे एचपी से एडजस्ट कर सकते थे, आप डिविडेंड से एडजस्ट कर सकते थे, उस पर क्या फर्क पड़ता, टैक्स बढ़ जाता।
सर कैसी बातें कर रहे हो, 10 लाख ए से एडजस्ट किया क्या, बी से एडजस्ट किया क्या, सी से एडजस्ट किया क्या, तीनों तो सेम रेट पे टैक्स हो रहे हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता, टैक्स ज्यादा आता। सर कैसे टैक्स ज्यादा आता, जब ए बी सी पीजीबीपी एचपी और डिविडेंड तीनों का टैक्स रेट सेम ही है, तो फिर टैक्स कैसे ज्यादा आता, टैक्स ज्यादा आता। अब सीख टैक्स प्लानिंग, अब सीख टैक्स प्लानिंग। You have a right to absorb basic exemption limit either from PGBP or HP or dividend income, yes or no? बराबर है। पहला सिचुएशन हमने PGBP से एडजस्ट किया, पूरे 10 लाख PGBP से एडजस्ट किए, अप टू 10 लाख में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब हो गया, यस और नो? हमने पूरे वहीं से एब्जॉर्ब किए और टैक्स निकाल दिया। ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, ठीक है, मेरे को फिगर्स के साथ हेल्प करना। ऑप्शन टू, एडजस्टिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फ्रॉम डिविडेंड। अगर हम डिविडेंड से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एडजस्ट कर देते तो क्या होता, देर वॉज पीजीबीपी, देर वॉज एचपी, देर वॉज डिविडेंड एंड देर वॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। गाइज प्लीज हेल्प मी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट की टैक्स कितना था, 1 लाख। एवरीबडी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना था, 1 लाख, ठीक है। अभी डिविडेंड से वही 10 लाख एडजस्ट कर देते, टोटल डिविडेंड कितना था, टोटल डिविडेंड 13 लाख, ठीक है। इसमें से अप टू 10 लाख तक का टैक्स 1,12,500, बैलेंस कितना बचा, 3 लाख। 3 लाख पे टैक्स रेट कितना परसेंट आया, 30%, या 90,000 रुपीज। अरे एवरीबॉडी, टोटल कम्स टू 2,02,500। देखिए मैंने अब पूरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहां से एडजस्ट कर दिया, डिविडेंड इनकम से, बराबर। अब 10 लाख के ऊपर की जितनी इनकम है, मेरा भाई बताएगा कितना परसेंट, 30%। एचपी कितना आएगा, अरे सेम वही आ रहा होगा ना, एचपी में कहां बदल रहा है, कितना, 666,000। पीजीबीपी कितना था, 7 करोड़, बराबर। 7 करोड़ का 30% इज इट 2 करोड़ 10 लाख। आपको अगर अब तक समझ आ चुका होगा तो आप समझ जाएंगे कि इस ऑप्शन में टैक्स क्यों ज्यादा है। अब लगाओ सरचार्ज, बोल बेटा सरचार्ज कितने परसेंट से आएगा यहां पे, 37%। अब पीजीबीपी में ही जब टैक्स ज्यादा आ गया, सरचार्ज बढ़ गया ना आपका मालिक, ओ मामा, लॉ इज सेम। तुम इससे भी एडजस्ट कर सकते थे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एचपी से भी कर सकते थे, डिविडेंड से भी कर सकते थे, बट अ प्रोफेशनल ट्राइज टू रिड्यूस द टैक्स ऑफ द क्लाइंट। अब इससे पैसा कैसे बनाया जाता है वो मेरे से सीखो, अब इससे पैसा कैसे बनाया जाएगा, यू नो इट। देखो इमेजिन, ऑफिस के अंदर में आकर के क्लाइंट बैठा है, ठीक है, ऑफिस के अंदर में आकर के क्लाइंट बैठा है, यू नो इट। पहले टैक्स निकाल देता हूं और फिर समझाता हूं, रुको। यहां पे भी 37% आएगा, आपको बुरा नहीं लगे तो, यहां पे 15% आएगा, यहां पे 15% आएगा, यहां आ गया 15,000 रुपीज, ठीक है, ये तो बदलने नहीं वाला, ये हो गया 1,15,000 रुपीज, 2,02,500 का 15%, ये कितना हुआ, 30,375, 232,875, 666,000 का 37, हाँ जी, कहां पे 18 लाख है, अच्छा सरचार्ज गलत लिखा हुआ है, एचपी में ये कितना है टैक्स, यहां पे 666,000, बराबर है। सो दिस हैज बीन स्टैंड करेक्टेड, ये एक फिगर गलत बोली गई थी, इनफैक्ट मैंने गलत लिखा था, यस yes?
18 लाख का 37% ऐड करके ये बराबर आ गया। अब आते हैं 2 करोड़ 10 लाख का 37%, दिस कम्स टू 2877, बराबर। चलो इन सब का टोटल कर देते हैं, दिस कम्स टू 3158 3875। एच ई सी एट द रेट ऑफ 4%, मैं डायरेक्टली 4% ऐसे भी निकालूं तो चलेगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए साहब। तो आपका टोटल टैक्स कितना आएगा, 32,84,000, नहीं गलत बोल रहे हो बे, 3 करोड़ 3 करोड़ 28 लाख 47,230। एवरीबॉडी अब जरा देख लो, कॉन्सेप्ट इज सेम, टैक्स लाइबिलिटी डिफर हुआ क्या? देखो ये जो प्रॉब्लम था इसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना था, 3 करोड़ 28 लाख 4,000, बराबर। यहां आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया, 3 करोड़ 28 लाख 47,000। टेंटेटिवली कैसे फर्क आया, दिखा गया, समझा गया, 230। अब फर्क कैसे आ गया, कॉमन सेंस लगाओ ना, फर्क आना ही था, फर्क आना ही था। डिविडेंड पे सरचार्ज रेट जो है, डिविडेंड पे सरचार्ज रेट जो है ये कितना परसेंट है, 15, वेरास पीजीबीपी पे सरचार्ज रेट कितना है, 37%। सो ये फर्क तो आना ही था, ये जो फर्क आया है ये उसका फर्क है। अब इसका पैसा कैसे बनना चाहिए, सबसे पहले ठीक है, अ क्लाइंट जिसको ये आइडिया ना हो कि ये कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, एंड सपोज उसने बाकी गूगल के जितने भी अपना नॉलेज था उसको बाजू रख दिया, वो हमारे पास आया, सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट। अब आपको ये पता है कहां से एडजस्ट करना चाहिए, मैंने जान मुझ के टाइम लगा के आपको दोनों कंसेप्ट सिखाया कि देख इससे भी तू एडजस्ट कर सकता है, तू इससे भी एडजस्ट कर सकता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि तू पीजीबीपी से एडजस्ट कर जिसका सरचार्ज रेट हायर होगा, या ऐसी इनकम से एडजस्ट कर जिसका सरचार्ज रेट हायर। अच्छा यही ऑप्शन में अगर तुम यू नो एचपी से एडजस्ट करते थे तो भी 10 लाख तो भी समझदारी थी, क्यों समझदारी थी, क्योंकि वो भी कितने परसेंट पे, 37% पे, तो भी समझदारी है। पर तुम इसको अगर डिविडेंड से सेट ऑफ करोगे तो ये समझदारी नहीं है। अब कैसा करना, क्लाइंट आया, क्लाइंट आया, सबसे पहले उसको मस्त एक्सेल शीट बना करके दे देना, एक्सेल शीट बना करके उसको दिखाने का ये, ठीक है, मस्त एक्सेल शीट बनाने का, एक्सेल शीट बनाने के उसको बोलने का, सर ये जो टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है सर आपका, ठीक है, उसको ये एक्सेल शीट देने का, सर आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 3 करोड़ 28 लाख 47,000। ऑब्वियस सी बात है कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो एक शब्द तो जरूर कहता है, सर कुछ तो कर, मतलब इतना इतना टैक्स कैसे दूं सर, कुछ तो करो सर। फिर आप उसको बोलना ठीक है सर मैं कुछ करता हूं, इनकम तो खैर आपका फाइनल है, इनकम में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाँ बट टैक्स का मैं एक जुगाड़ लगाता हूं। फिर उसको देना ये, फिर उसको देना ये, और उसके बाद में मस्त एक पेज पे प्रिंट निकालना, अर्लियर योर टैक्स लाइबिलिटी, नाउ योर टैक्स लाइबिलिटी, वी सेव्ड दिस, सर आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस आप साथ बनाए रखो, दूसरे क्लाइंट रेफर रख करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे सर, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस आप अपना साथ बनाए रखो। एंड ही बी लाइक, फर्स्ट अटेम्प्ट है लगता, सिर्फ एक डिसीजन कि एडजस्ट कहां करना है, और इसी को आप कहते हो टैक्स प्लानिंग, दैट विद द सेम कॉन्टेंट विद द सेम एवरीथिंग इफ यू कैन सेव द टैक्स फॉर योर क्लाइंट ही विल ऑलवेज अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तब वो ये नहीं देखेगा कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने लगे। यस कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में फर्क पड़ता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से। देखो आप इस फील्ड के अंदर में हो, सीए सीएम एक ऐसी फील्ड है राइट, जिसके अंदर में आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको जॉब ही करना है राइट, आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अभी ये मेरा भाई गुजरात से है राइट,
ही इज ऑलरेडी प्रो एट स्टॉक मार्केट, ही इज ऑलरेडी प्रो एट स्टॉक मार्केट। अब आप मुझे बताइए, हमारे पास करने के लिए सब कुछ है, राइट? अब फाइनल में आके आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस तो है कि कुछ भी हो जाए भाई मैं अर्न तो कर लूंगा, नहीं मिल गया डिग्री तो मां कसम में अर्न तो कर लूंगा, इतने फंडे तो लाइफ के समझ में आ गए मेरे को, राइट? एक बात समझिए सर, क्लाइंट जब आता है ना, वो आपसे या तो आप उसकी इनकम बढ़ाने के लिए बात करता है या तो उसके टैक्स रिड्यूस करने की बात करता। कभी आपने देखा आर्टिकल छिपके 2 साल के अंदर में क्लाइंट आपको आकर के पूछ रहा है आपको कितने अटेम्प्ट लगे? बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा, पर वो काम करते वक्त या काम आपको देते वक्त या काम सौंपते वक्त वो कभी ये नहीं पूछता आपको कितने अटेम्प्ट लगे। वो ये देखता है मेरा ये प्रॉब्लम है, तू इसको सॉल्व कर सकता है तो तू ही मेरे लिए रैंक होल्डर है, तू ही मेरे लिए रैंक होल्डर है। तू अगर जुगाड़ निकाल, मैं हमेशा कहता हूं अ गुड प्रोफेशनल इज नॉट वन हु नोज द लॉ, अ गुड प्रोफेशनल इज वन हु नोज द एओ। बहुत समझदारी वाली बात है। अ गुड पर्सन इज नॉट वन हु नोज द लॉ, अ गुड पर्सन इज वन हु नोज द एओ। इसका मीनिंग ये होता है कि आप लॉ कितना भी करो, देखो यार जमाना कैसा चलता है ये तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है? अब अपने को ट्रू एंड फेयर व्यू भी समझता है कि अकाउंट्स में कितना ट्रू एंड फेयर होता है ना, ट्रू कहीं होता है और फेयर तो खैर होता ही नहीं, ये अपने को समझता है। जब छोटे थे तब समझ में आता था कि भैया बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट उसके अंदर में सस्पेंस अकाउंट दिखता है, बड़े हुए तो हमें समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक इज सस्पेंस अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक इज सस्पेंस अकाउंट। सो ये अपने को भी पता है, एंड एथिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन बुक्स, रियल लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। रियल लाइफ में जितना जुगाड़ काम करता है, राइट, रियल लाइफ में जितने एडजस्टमेंट्स काम करते हैं, कई चीजें फंसी होती है लिटरली, मैं आपको बता दूंगा। और जब आप मेरे साथ अभी असेसमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा प्रैक्टिस का नॉलेज क्या है वैसे, राइट? जब चीजें अटकी होती है ना, तुम जाके ये डील नहीं करते सर लॉ तो ऐसा कहता है, तुम जाके ये डील करते हो सर बताओ करना क्या है, ये बताओ सर क्या चाहिए, खत्म। मतलब ये बातें नहीं होती कि सर लॉ क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ बातें नहीं होती। अग्री करोगे नहीं करोगे, ये बात होती है सर बताओ करना क्या है। तुम्हारे ऑफिस में भी तुमने भी बॉसेस को केसेस को सेटल करते हुए देखा है, क्या क्या होता है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली एक व्हाइट कलर का एनवलप आता है, समझ में आई बात? तो थिंग्स आर डिफरेंट, आपको सामने वाले का नीड पता होना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक हाइट बताता हूं, कई बार तो यू नो क्लाइंट्स हमको खुद डिपार्टमेंट देता है, इसका ये इशू है, ठीक है निपटाओ, जो भी रहेगा दोनों मिलकर देख लेंगे। आपको पता है एडजस्टमेंट कैसे होते हैं? कई बार ऐसा होता है प्रोफेशनल डिपार्टमेंट को बताता है सर केस लंबा है ओपन करो, जो भी रहेगा मिल बांट के देख लेंगे। इस तरीके से भी चीजें होती है। मार्केट बहुत अलग है बेटा, मार्केट में हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने बैठा है, समझ में आ रही है बात? एकदम खुली बात कर रहा हूं। देखो मेरे को पता है कि तुमको मैं कितने भी सपने दिखा दूं, तुम लोग फाइनल में हो, ठीक है, तुमको वो फाउंडेशन वाले सपने नहीं दिखाए जा सकते। बेटा देख बहुत स्कोप है, एथिक्स लॉ ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुमको सिखाना है धंधा कैसे करना है, पैसा कैसे छापना है, एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू वेल्थ, रियलिटी नहीं वेल्थ। यार सीधी बात है यार, अपफ्रंट मेरे भाई तेरे को भी मालूम है सर क्या लोगे आप, ये बताओ सर, ये बताओ रिक्वायरमेंट क्या पूरी करो, खत्म विषय। ये इतने डिस्कशन नहीं होते लाइफ के अंदर में कि सर लॉ ऐसा बोलता है, बट सर दिस इज एन इंटरप्रिटेशनल इशू। ये क्या किधर बैठे हो तुम, क्या कर रहे हो? ये सब नहीं होता इंटरप्रिटेशनल इशू और ये वो, ये सब नहीं होता। रियल सर बताओ क्या करना है कैसे करना है, आप जैसा बोले, आप माई बाप हो सर, जो अथॉरिटी पे बैठा है टेक्निकली माई बाप वो है। जितने जल्दी इस कानून को समझ जाओगे उतना अच्छा है, समझ में आई बात? होंगे तुम प्रोफेशनल अपने घर पे, एकदम रियलिटी बता रहा हूं, एज अ फ्रेंड एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं, ठीक है? जितनी बातें हैं ना तुम्हारी, तुमको लॉ आता है, तुमने इस सब्जेक्ट के अंदर में 90 मार्क्स लेकर के आया है, तुम रैंक होल्डर हो, सब सब ओके है, सब ओके है। ये सब कोई मायना नहीं रखता जब तुम जुडिशरी के सामने जाते हो। जुडिशरी तुम्हारे रैंक का आचार नहीं डालने वाला, ठीक है? जुडिशरी ये बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेगा तुमने इस सब्जेक्ट में एग्जम्पशन लाया था। जुडिशरी बोलेगा भाई देख इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, हाउ टू डील विथ इट। सही रास्ते तो कई बार डिपार्टमेंट खुद बताता है, इसको ऐसे घुमाओ, इसकी ये एंट्री लाओ, मैं उसको उतना एडजस्ट करूंगा, मैं उतना करके लेता हूं, ठीक है? फिर बोलना पड़ता सर हुकुम क्या, फिर जो भी खैर जो भी होगा, यस हाँ या ना,
चलो मालिक बढ़ते हैं आगे, बोलो कितना। हाँ तो ये लिख लिया आपने, दूसरा वाला भी बनाया आपने कि नहीं बनाया अभी तक? दूसरा नहीं बनाया, बनाओ प्लीज बनाओ। डन है। अब इस पे नीचे लिखिए माई नोट, इफ दिस इज डन डनेजर जी, एक क्वेश्चन अब आपके हवाले करूं, करोगे? क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व किया। एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है मालिक अपना? 9.2 चलेगा ना? हाँ मैं नोट बता रहा था, पहले नोट लिखे, माई नोट, माई नोट। इस प्रॉब्लम में हम इंग्लिश मैसेज टाइप, माई नोट है एग्जामिनर को नहीं। इस प्रॉब्लम में हम मेथड वन में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को पीजीबीपी से एडजस्ट किया। जिसमें हमारा टैक्स लाइबिलिटी कम आया, हमारा टैक्स लाइबिलिटी कम आया, व्हाइल मेथड टू में
डिविडेंड से एडजस्ट किया, जिसमें हमारा टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आया, जिसमें हमारा टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आया, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली दोनों भी एडजस्टमेंट सही है, प्रैक्टिकली दोनों भी एडजस्टमेंट सही है, बट इन ऑर्डर टू रिड्यूस टैक्स, बट इन ऑर्डर टू रिड्यूस टैक्स ऑप्शन वन इज ऑलवेज बेटर। डने जी साहब, अच्छा ये माइनोट समझ तो आता है ना क्या लिखते हैं? मेरे को ऐसा लगता है बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट ये ज्यादा अच्छा रहता है कि हमने हमारे लिए लिख लिया, भैया जीवन में करना क्या है। यस चलो एक प्रॉब्लम देता हूं, सॉल्व करो। पबजी 9 करोड़, डिविडेंट 13 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 22 लाख, निकालिए जवाब। जवाब जी साहब,
ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। प्रैक्टिस करो, गलती सभी से होती है। चेक कर लीजिए, डू यू अग्री? डू यू अग्री विद दिस फिगर्स? थ्री सिक्स सेवन डबल थ्री 125 दिस विल कम टू 150,7505, दैट इज 15,07,505। फाइनल आंसर 3,91,95,130। परफेक्ट। दूसरे मेथड का कोई सेंस नहीं बनता, वो आपके नॉलेज के लिए था, एग्जाम में लिखने का भी काम नहीं। एग्जाम में सीधा ये आंसर देना है, गेम ओवर। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मजा आ रहा है। वैसे भी ना देखो मजा आता है, पता है, जब आपका आंसर और टीचर का आंसर मैच कर दे, मतलब हाँ बस खत्म, जितना पढ़ा था उतना तो सेंसिबल था। चलिए, पर गेम यही खत्म नहीं होता, पता है। इसका लास्ट वाला कंसेप्ट, सरचार्ज का लास्ट वाला कंसेप्ट बहुत ट्रिकी है, ध्यान से सुनिए। हालांकि इतना ट्रिकी भी नहीं है, यहां तक आप पार कर गए तो वो तो बच्चा है। अब समझिए इशू क्या है। सपोज माई PGBP, ठीक है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर मैं जा रहा हूं, सरचार्ज के सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर जाऊंगा मैं, लेकिन ये एग्जाम्पल से रूट होके जाएंगे। सपोज माई PGBP इज 1,80,00,000, ठीक है, दैट इज 1.80 करोड़, एंड माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A इज सपोज 62,00,000। जस्ट टेल मी द सरचार्ज रेट यू विल अप्लाई। सपोज यू हैव ओनली टू इनकम, PGBP 1.80 करोड़ एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज 62,00,000। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द सरचार्ज रेट यू वुड अप्लाई। नाउ यू विल से, सिंस माई टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज, यू विल से apply PGBP at the rate of 25%, whereas capital gain shall be subject to 15%. Do you agree with this statement? Yes or no? अब तक का आपका अंडरस्टैंडिंग यही है? Yes, since मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है, since my total income is exceeding 2 करोड़ रुपीज, you would say that sir, for the purpose of PGBP apply 25% because my total income exceeding 2 करोड़ रुपीज and the special income, that is capital gain, will be maximum subject to restriction of 15%. Agree, disagree? Yes, but you tell me, क्या special income रोज रोज arise होने वाली income है?
या वन टाइम अराइज होने वाली इनकम है? वन टाइम, ये कोई बहुत फ्रीक्वेंट जनरेटेड इनकम नहीं है, ये साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में एक बार अराइज होने वाली इनकम है। अब टैक्स पेयर का एक लॉजिक सुनिए, दिल को सही लगे तो हाँ बोलना और उस हिसाब से लॉ बनाएंगे। टैक्स पेयर बोलता है, हुजूर माई बाप, ये जो इनकम है 62 लाख, ये कोई मुझे रोज रोज अराइज नहीं होती, ये मुझे सिर्फ इस साल अराइज हुई है, बराबर है। लेकिन इस इनकम के चलते क्या मैं एनहांस सरचार्ज लिमिट में पहुंच गया? अगर ये इनकम ना होती, आई वुड हैव इजीली पेड 15%। ये इनकम आने की वजह से मेरा टैक्स ब्रैकेट बढ़ गया, मेरा सरचार्ज ब्रैकेट बढ़ गया। द सरचार्ज ब्रैकेट इज, मैं अदर इनकम के लिए 25 में चले गया और इस इनकम के लिए तो 15% पे आ गया, जबकि ये इनकम मेरी हर रोज अराइज होती नहीं। तो आप एक काम कीजिए महोदय, आप मुझे सरचार्ज पे करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चक्कर में मुझे एनहांस सरचार्ज पे करने में प्रॉब्लम है। डू वन थिंग, मैं इस पे भी 15 देता हूं, इस पे भी 15 देता हूं। मैं बाकी किसी सिचुएशन के लिए ऐसा नहीं मांग रहा हूं, मैं इसी सिचुएशन के लिए ऐसा मांग रहा हूं, बिकॉज ऑफ दीज कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, माय सरचार्ज विल फॉल इनटू एनहांस सरचार्ज। और ये तो आप भी जानते हैं, ये मेरे साथ हार्डशिप है, ये मेरे साथ हार्डशिप है। नेक्स्ट ईयर मुझे पीजीबीपी जरूर होगा सर, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे कैपिटल गेन नहीं होने वाला, मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे नहीं होने वाला। मुझे सरचार्ज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके कारण अगर मैं एनहांस सरचार्ज में जा रहा हूं तो हुजूर ये गलत है एंड मुझे ये करने की इच्छा नहीं है। आप बताइए, अग्री और डिसअग्री, अग्री या डिसअग्री, आप इस प्रपोजिशन से अग्री करेंगे टैक्स पेयर के? सपोज अगर आप ही टैक्स पेयर है तो आप क्या बोलोगे? लॉजिकल बात कर रहा है यार बंदा, लॉजिकल बात कर रहा है। ये इनकम कोई हर साल अराइज होने वाली तो इनकम है नहीं, पर ये इनकम एवरी ईयर रिकरिंग बेसिस पे आएगी, यस, तो ये भी 15 पे लगा दो, ये भी 15 पे लगा दो। डू यू अग्री? अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए, सरचार्ज का लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए। इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग, अब वापस से इंक्लूडिंग वर्ड है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट कवर्ड इन सिचुएशन नंबर 4 और 5। अगर दोनों इनकम मिला के कितने से ऊपर जा रहा है? 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, और यह सिचुएशन 4 और 5 में कवर नहीं है। 4 वाली सिचुएशन क्या है? अदर इनकम आपकी 2 करोड़ के ऊपर। 5 वाली सिचुएशन क्या है? अदर इनकम आपकी 5 करोड़ के ऊपर, बराबर है। अब अगर आपकी नॉर्मल प्लस ये जो डिविडेंड एंड कैपिटल गेन है, ये मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है, तो सरचार्ज रेट सरकार ने खुद होके कितने पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया? 15% एंड 15%। लॉजिक समझ में आया? हाँ या ना? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये इनकम उसकी रोज रोज अराइज होने वाली नहीं है, तो सरकार को भी ये समझ में आ रहा है। सरकार ने भी क्या कर दिया? सरचार्ज रेट को फिर यहां पे आकर के क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यस, एग्जांपल नंबर 10.1, इधर आपका एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 9.1। डन, सेम उसी क्वेश्चन के अंदर में जाओ, अब अगर आप देखोगे मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, मेरी अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर नहीं है, पर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, क्या वो वाला एक प्रोविजन लगाया जा सकता है? यस, खत्म हो गया। सबसे पहले टैक्स निकालिए, सबसे पहले टैक्स निकालिए, दिस कम्स टू 6,10,000। This comes to 52,12,500. Do you agree? आप लोग भी प्लीज चेक करते जाइए। हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलती होती है, कम ऑन।
योर फाइनल आंसर कम्स टू 69,63,710. बोलिए साहब, डन है? आंसर मैच कर रहा है आपका भी? गेम ओवर. यस, हालांकि मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं ये वाला एक्सेप्शन आपको पूछेगा. मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं ये वाला एक्सेप्शन आपको पूछेगा, बट पूछ भी सकता है. मेरा काम है आपको पूरा का पूरा कंटेंट देना. आहो, डन और नोट मालिक? डन. बहुत शानदार. सरचार्ज कंसेप्ट इज ऑल्सो ओवर. चलिए वापस से एक बार डील करते हैं पूरे के पूरे कंसेप्ट के ऊपर. सरचार्ज को सिर्फ हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है? इफ माय टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख्स, सरचार्ज बताओ. नो सरचार्ज, आवाज निकालो, मेरे को रिविजन चाहिए. इफ माई टोटल इनकम इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, सरचार्ज रेट विल बी ऑन बोथ द इनकम. यस, इफ माई टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ इंक्लूडिंग दिस टू इनकम 15%. इफ माई टोटल इनकम अदर देन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड 2 करोड़ ऑन इनकम अदर देन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड 25%, ऑन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड 15%. यस, इफ माय अदर इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड 5 करोड़ ऑन अदर इनकम 37%, ऑन दिस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 15%. इफ माय टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस टू इनकम एक्सीड 2 करोड़ रुपीज बट इज नॉट कवर्ड इन सिचुएशन 4 एंड 5, 15%, 15%. सॉर्टेड? सॉर्टेड, बहुत बढ़िया बेटा. यस, एक अमेंडमेंट आया है. अमेंडमेंट क्या है जरा देखिएगा. इफ द असेसी इज अ एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनी एज इट्स मेंबर. वेट 2 मिनट के लिए, पहले एओपी याद करते हैं. एओपी क्या था बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. क्या उसमें पर्सन एज वेल एज पर्सन हो सकते थे? यस, यानी एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिलके एओपी बन सकता था. यस, दो इंडिविजुअल मिलके एओपी बन सकता था. यस, बट उस केस में हम उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह देते थे. यस, एक इंडिविजुअल और एक फर्म मिलकर के बन सकता है एओपी. यस, दो कंपनी मिलके एओपी बन सकता है. अगेन यस, राइट. अगर मान लीजिए एओपी है जिसमें सिर्फ कंपनीज ही मेंबर है, मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ दो कंपनीज के बीच में ज्वाइंट वेंचर है, राइट. अगर कोई एओपी है जिसमें कंपनीज ही मेंबर है, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 15%. इसको और थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे अभी जब हम कंपनी का टैक्स रेट देखेंगे. अभी जब हम किसका टैक्स रेट देखेंगे? कंपनीज का. हाल फिलहाल में इस लाइन को याद रखिए, हाईलाइटर लीजिए और हाईलाइट भी करके रखिए. हाईलाइटर लीजिए और हाईलाइट भी करके रखिए. अमेंडमेंट है. डन है जी? बहुत बढ़िया. वापस से चार्ट पे आइए. अब मैं सक्सेसफुली कह सकता हूं आपने टैक्स निकालना सीख लिया, क्योंकि उसके
सात पैरामीटर थे जिसको सातों को आप क्रॉस कर चुके हैं। अब आते हैं अदर्स के ऊपर, याद होगा तो ये स्लैब रेट आपने पूरा कर दिया। अब आते हैं चार्ट में सीनियर सिटीजन के लिए। इफ यू आर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 60 और अबाव है, मतलब डॉट 60 पे भी आप क्या हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है 60 और अबाव बट अप टू द एज ऑफ 80 ईयर्स, राइट, आपको स्लैब रेट बढ़ा करके दिया गया है। कितना स्लैब रेट है, इंस्टेड ऑफ 2,50,000 योर स्लैब रेट विल बी 3 लाख रुपीज, अप टू 3 लाख ऑफ टोटल इनकम देर विल बी नो टैक्स, 3 लाख to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, एंड अबाउट 10 लाख इट विल बी 30%। इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ स्लैब रेट, रेस्ट ऑल द 7 नोट्स जितनी भी हमने 6 और 7 नोट्स पढ़ी टिल सरचार्ज, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट एप्लीकेबल, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट एप्लीकेबल। कुछ सवाल है जल्दी से जवाब बताइएगा, एमसीक्यू टाइप के है। पहला, क्या सीनियर सिटीजन को भी रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल मिलेगा, इफ दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन बिल्कुल भी मिलेगा। क्या इनकी भी इनकम को राउंड ऑफ किया जाएगा, इनकी भी स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है, इनको भी सरचार्ज की वही कंडीशंस एप्लीकेबल है, एवरीथिंग रिमेन सेम, सिर्फ स्लैब रेट का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। गेटिंग इट? आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। व्हाट इज सुपर सीनियर सिटीजन? एवरी पर्सन हु इज इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट, याद रखे नॉन रेसिडेंट अगर 82 ईयर्स का भी है तो उसको स्लैब रेट पहला वाला ही लगने वाला है, इसीलिए हमने यहां पे लिखा था नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। यस, रेसिडेंट इंडिविजुअल 80 ईयर्स और अबव, डॉट 80 ईयर्स आप थर्ड स्लैब में आ जाएंगे, राइट, अप टू 5 लाख इट विल बी निल, 5 लाख टू 10 लाख डायरेक्टली 20%, शॉर्टकट विल बी 1 लाख, कैसे, 10 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20%, अब तक ये आपको समझ में आ चुका होगा शॉर्टकट, एंड अबव 10 लाख इट विल बी 30%, रेस्ट ऑल द नोट रिमेन सेम। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, सुपर सीनियर सिटीजन डज नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रिबेट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 5 लाख है तो रिबेट कहां से मिलेगा? एवरीबॉडी, इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 5 लाख, इनको रिबेट कहां से मिलेगा? यस, तो इनको रिबेट मिलने वाला नहीं है, हाँ एलिजिबल है बट कोई सेंस नहीं है इस पॉइंट का। अब आते हैं एक बड़े विचित्र सर्कुलर पे जो सीबीडीटी ने निकाला, आप शायद सुन करके हंसेंगे भी, राइट, सेम पेज नंबर पे देखिए, यहां पे एक सर्कुलर लिखा है सीबीडीटी का, क्लैरिफिकेशन है, सॉरी सर्कुलर नहीं क्लैरिफिकेशन है, बराबर है। अब देखिए इशू क्या अराइज हुआ, इशू ये अराइज हुआ कि सपोज ये मेरा भाई है, नाम क्या है भाई तेरा, ओमकार, सपोज कर लो ये ओमकार जो है ना मेरा भाई, ओमकार का बर्थडे आता है 1 अप्रैल एवरी ईयर, 1 अप्रैल एवरी ईयर को ओमकार का बर्थडे आता है, राइट, लोग अप्रैल फुल तो बोलते ही हैप्पी बर्थडे भी बोल के जाते हैं मेरे भाई को। अब इशू क्या हुआ, प्रीवियस ईयर में ओमकार का जो एज था ये था 59, ऑन 1 अप्रैल इसका बर्थडे आया, भाई का एज हो गया 60, बट इनकम टैक्स पर्पज में ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है, यहां पे भाई को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना मिलता है 2.5 लाख, यहां भाई को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है 3 लाख। अब प्रीवियस ईयर में वो था नॉन सीनियर, असेसमेंट ईयर में वो हो गया सीनियर सिटीजन, आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट कितना दे, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 कंसिडर किया जाए या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख कंसिडर किया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए, क्लैरिफिकेशन को मत पढ़ो पहले कॉमन सेंस लगाओ, क्लैरिफिकेशन समझ जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में ये नॉन सीनियर सिटीजन था, असेसमेंट ईयर में ये सीनियर सिटीजन बन गया, सेंसिबल, मेक सेंस? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ही सिर्फ उनके लिए है जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, 2 अप्रैल वालों का इशू ही नहीं है, आप समझ रहे हो, 2 अप्रैल वाले का तो इशू ही नहीं है। क्या आपको पता है मैटर सुप्रीम कोर्ट तक के जाके आया है, ये एक दिन का फर्क सुप्रीम कोर्ट तक के लेके गया है, प्रभु दयाल सिस्मा नाम का केस है, जैसा कि मैंने आपको बताया केस लॉ का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अब मेरे को आपके सवाल का जवाब दीजिए, क्या लगता है 2,50,000 और 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, बोलो बोलो, गलत ही होगा और कुछ नहीं होने वाला, फटाफट जवाब दो, 2.5,
किसका देखा नहीं, आप क्या देखोगे, आप प्रोफेशनल हो, डिसाइड करो क्लाइंट के केस में। 2.5 भैया, मेजोरिटी तो 2.5 बोल रही है, यहाँ पे ऑनलाइन वाले भी जो तुम्हारे साथ बैठे हैं उनके भी डिस्कस कर लेते हैं। रेशमा कह रही है सर 3 लाख, गार्गी कह रही है सर 3 लाख, इंदु कह रही है सर 3 लाख, शिवानी कह रही है सर 3 लाख। सर बट इनकम टैक्स तो पूरा असेसमेंट ईयर के हिसाब से बना है, बट सर इनकम तो प्रीवियस ईयर में कमाई, हाउ डेयर यू, इनकम तो प्रीवियस ईयर में कमाई है। हाँ लड़ो लड़ो, ऐसे ही होता है ऑफिस में, ऐसे ही होता है भाई, बात सही है, उनकी भी बात सही है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, बट मेरे भाई की भी बात गलत नहीं है ना, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, हाउ डेयर यू, आपने ऐसा बोला ही कैसे, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड। हाँ करेक्ट है, असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, बट हाउ हाउ यू विल जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, नो सर वो सब मालूम नहीं, असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, लॉ इज रिटन इन असेसमेंट ईयर, सो 3 लाख, पर आपने तो 2.5 बोला, सो 2.5 लाख। मेरे भाई कह रहे हैं सर एक मिनट, बर्थ डेट है 1 अप्रैल, पर टेक्निकली उसका बर्थ डेट तो एक दिन पहले ही चालू हो जाता है, रात 12 बजे केक काटते हो दोस्तों का, काटते हो, यानी रात 31 को ही आप वो एज अटेंड कर चुका है, यहां से तो रनिंग 60 चालू हुआ है ना, एज तो वो अटेंड कर चुका है। अरे हाँ वो रनिंग वाला भी तो कंसेप्ट है, रनिंग वाला कंप्लीटेड वाला, बट सर असेसी तो असेसमेंट ईयर में करता है। हाँ बिल्कुल बराबर इंदु, आप बिल्कुल बराबर बोल रही है, असेसी तो असेसमेंट ईयर में करता है, करेक्ट, समझ रहे हो, बहुत बड़ा इश्यू था, कुछ एओस 2.5 में कर रहे थे, कुछ एओस 3 दे रहे थे, अब डिपार्टमेंट ही कंफ्यूज था, क्या आने वाला था, क्लैरिफिकेशन आने वाला था सर्कुलर। वैसे मैं आपको बता दूं ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक के गया, प्रभुदयाल सिस्मा नाम का केस था, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक के गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रैक्टिकली हम बर्थडे कब मनाते हैं, ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ये उसी पे बेस्ड है, प्रैक्टिकली हम बर्थडे कब मनाते हैं, अगर मेरा बर्थडे जैसे विजय का बर्थडे 28 फरवरी को है, तो विजय इसको सेलिब्रेट इसके पहले ही 27 की नाइट को ही कर लेता है, दैट मीन्स द पर्सन हैज अटेंड द एज वन डे बिफोर, द पर्सन हैज अटेंड दैट एज वन डे बिफोर, एंड हेंस He is eligible for higher basic exemption limit. Court has ruled that it is eligible for higher basic exemption limit, be it 3 lakh or 5 lakh as the case may be, जो भी वो अटेन कर रहा है 60 or 80 as the case may be, right? So it has been clarified by department, check कीजिएगा CBDT clarification, I am on page number 7, check कीजिएगा। इंडिविजुअल हु हैज अटेंड द एज ऑफ 60 और 80 ऑन 1 अप्रैल, 2 अप्रैल का ये इशू ही नहीं है, अटेंड ऑन 1 अप्रैल वुड बी एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सीबीडीटी हियर बाय क्लैरिफाइज दैट पर्सन बॉर्न ऑन 1 अप्रैल वुड बी कंसिडर्ड टू हैव अटेंड द पर्टिकुलर एज ऑन द 31 मार्च द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे, इन पर्टिकुलर द क्वेश्चन ऑफ अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ एलिजिबिलिटी कंसिडर्ड सीनियर और वेरी सीनियर देयर फॉर बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ क्राइटेरिया, राइट, देयर फॉर इफ अ पर्सन इज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1962 और 1942 देन ही शैल गेट द स्लैब रेट ऑफ 3 लाख और 5 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022। अकॉर्डिंगली केस का नाम है प्रभुदयाल सिस्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके बेसिस पे ये डेफिनेशन बन के बाहर आया है, हालांकि टोटली इररिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इतने स्पेसिफिक पॉइंट पे मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट आपको छेड़ेगा भी, राइट, और छेड़ दिया तो लिख के आना, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए है लिख के आने का जीवन में, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, वैसे भी मार्क्स तो मिलने नहीं वाले अगर कंसेप्ट पढ़ा नहीं है तो, यही लिख के आने का लाइफ में, न छेड़ो हमें हम सताए हुए है, यस चलो मालिक। सो ये एक और सर्कुलर है, सीबीडीटी सर्कुलर,
पहली लाइन को अगर आप हाईलाइट करने की इच्छा रखते हो तो बस कर लेना कि भैया उस 1 अप्रैल को सिर्फ पहली लाइन को हाईलाइट कर देना, करने की इच्छा है तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज दैट डन प्रभु? यस। मेरे हिसाब से लेते हैं आज एक अर्ली ब्रेक, अर्ली ब्रेक के बाद आ करके हम टैक्स रेट फॉर अदर एसएससी पढ़ेंगे। सो एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा आज जल्दी ब्रेक ले लेते हैं। डन सर? ओके। अच्छा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका क्या हुआ? वो तो आपने डिस्कस ही नहीं किया। हाँ हाँ, मतलब क्या 1 लाख मिलने के बाद फिर एडजस्ट होगा ऐसा? देयर विल बी नो टैक्स। चलिए, कल का आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, मैं क्वेश्चन एक बार रीइटरेट कर देता हूं। मैंने लिखा था पीजीबीपी, मैंने लिखा था अगर आपको याद हो तो, पीजीबीपी दैट वाज 20,000 रुपीज एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 2 लाख। याद आ रहा है क्या आपको मालिक? रेस्ट, अब ऐसे केस में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले, इज एसएससी एलिजिबल फॉर सेटिंग ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? आंसर इज येस। कितना होगा? 1 लाख। कितना सेट ऑफ होगा? 1 लाख। 1 लाख तक के तो एग्जम्प्टी है, बियॉन्ड 1 लाख जितना भी है वो आप एडजस्ट करोगे कितना? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में। हालांकि इसका ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है? निल। इसका ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है? निल। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरह से होता, लेट्स से पीजीबीपी, लेट्स से पीजीबीपी यहां पे होता 1,20,000 और यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A होता 2 लाख। अब बताओ कितना एडजस्ट करते? 1,20,000 प्लस 1 लाख, 220 होता, ये तब भी निल होता और ये भी तब भी क्या होता? निल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यानी लॉन्ग टर्म के केस में बेसिक रूल याद रखना, पहले 1 लाख का एग्जम्पशन बाजू होगा और जो बैलेंस बचा वही इधर उधर एडजस्ट करना है या टैक्स लगाना है तो टैक्स लगा देना। गेटिंग माई पॉइंट? डन। टेक अ बेटर ब्रेक, सी यू आफ्टर द ब्रेक।
ઓપ્શન આવે.
चलो जी आगे बढ़ेंगे। यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। और अब हम चलते हैं टैक्स रेट फॉर अदर्स पे। अभी तक हमने क्या किया, टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन में हमारे पास फर्म और कंपनीज भी थे। यस, तो हमें अब उनके भी टैक्स रेट देखने पड़ेंगे। मेंशन ऑन पेज नंबर 9, मेंशन ऑन पेज नंबर 9, टैक्स रेट फॉर अदर्स, टैक्स रेट फॉर अदर्स, राइट। सबसे पहले फर्म एंड LLP का टैक्स रेट बताना चाहूंगा। फर्म एंड LLP, दीज आर डायरेक्टली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इन्हें कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, डायरेक्टली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, विच मेक सेंस। इनको कोई महीने के खर्चे ही नहीं है, जैसे इंडिविजुअल्स या HUFs को अगर आप देखोगे महीने के खर्चे है, राइट। इनको कोई खर्चे नहीं है, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन, इसीलिए इनकी इनकम डायरेक्टली 30% पे क्या की गई है, टैक्स की गई है। इफ द टोटल इनकम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, इफ द टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, द सरचार्ज रेट इज 12%। सिंपल, यहां पे सरचार्ज का गेम बड़ा सिंपल है। टैक्स विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट स्ट्रेट अवे आपका लगने वाला है। सरचार्ज लगेगा ओनली इफ द इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, एंड HEC विल बी एट द रेट ऑफ 4%, दिस विल कंटिन्यू टू बी एट 4%। HEC वैसे भी कहीं किसी के लिए नहीं बदल रहा है। तो फर्म एंड LLP डायरेक्टली एट द रेट ऑफ 30%, सरचार्ज रेट 12%, वेदर द इनकम एक्सीड 1 करोड़ और 10 करोड़, डजंट मैटर, एंड HEC विल बी एट द रेट ऑफ 4%। HEC विल बी एट द रेट ऑफ 4%। लाइकवाइज लोकल अथॉरिटी, एट द सेम टाइम लोकल अथॉरिटी टैक्स रेट एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म, अगेन एट द रेट ऑफ 30%, सरचार्ज विल बी एट द रेट ऑफ 12%, एंड HEC विल बी एट द रेट ऑफ 4%। यहां पे ब्लैंक रह गया है, प्लीज राइट डाउन 4%। यस, ये भी कितना परसेंट रहेगा बेटा, 4%। डन। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं बेटा, कंपनीज। इसके लिए आपको सबसे पहले हिस्ट्री समझनी होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, इन 2019 जब इंडिविजुअल्स के लिए ऑप्शनल टैक्स स्कीम्स लेकर के आए थे, दैट इज ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स लेकर के आए थे, 115 BAC, इसके पहले ही सबसे पहले 2019 में किसके लिए लेकर के आए थे, कंपनीज के लिए। पहले लाया 2019 में कंपनीज के लिए, एंड इन 2020 दे ब्रॉट इट फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले ये जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम की शुरुआत ही हुई थी, इसी की शुरुआत 2019 में कंपनीज के थ्रू ही हुई थी, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन सबसे ज्यादा कहां चल रहा था, कंपनीज में। बट हिस्ट्री यहां से नहीं आती है, हिस्ट्री आती है सन 2014 से। कहां से, 2014 से। चलिए इसकी हिस्ट्री में चलते हैं और थोड़ा सा पीछे, 2014। उस टाइम पे, तब तक आपने सीए करने का खैर सोचा भी नहीं था, CA CA में आप, ये कोई आपके दिमाग में नहीं था, आप बहुत अच्छी जीवन जी रहे थे, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, जिसमें बहुत स्कोप नहीं था पर मजे बहुत थे, राइट। अब हुआ ये 2014 में सिचुएशन चल रही थी, अब की बार मोदी सरकार, एक लहर चल रही थी, आपने ये अगर ये लाइन कहीं सुनी होगी तो। यस, अब सिचुएशन ऐसी थी कि द एग्जिस्टिंग BJP गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि हम कंपनीज के टैक्स रेट को 25% पे लेकर के आ जाएंगे, राइट। हम कंपनीज के टैक्स रेट को कितने परसेंट पे लेके आ जाएंगे, 25% पे लेकर के आ जाएंगे। 2014 आया, ध्यान से सुनना इस हिस्ट्री को, हाँ। 2014 आया, 2014 में मैसिव विन मिला, और मैसिव विन मिलने के साथ साथ ही पहला कमिटमेंट 2015 में ही इन्होंने पूरा किया। इन्होंने 30% के जगह टैक्स रेट कर दिए 29%, और इसी बजट में इन्होंने कहा कि भैया हम हर साल 1-1% रिड्यूस करते जाएंगे, हम हर साल क्या करते जाएंगे, 1-1% रिड्यूस करते जाएंगे। 30 से 29 ला लिया, कंपनीज बहुत खुश, 1% भी बहुत बड़ा परसेंटेज होता है व्हेन इट कम्स टू अ कंपनी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। पतंजलि हो गया, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, इनके प्रॉफिट्स ही कपल ऑफ करोड़ के अंदर में, कपल ऑफ थाउजेंड करोड़ के अंदर में, इनका तो 1% भी करोड़ों में आएगा। तो कंपनीज बड़े खुश हो गए, उनने बोला, वाह मचे, पैसे
राइट, कंपनीज बड़ी खुश हो गई। 2016-17 अगले 2 साल इन्होंने टैक्स रेट कम ही नहीं किया, ना ही अपोजिशन वालों को याद आया। पर एक होनहार बैचलर को ये याद आया, 2 साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में एक होनहार बैचलर अपोजिशन के लीडर को ये याद आया, उन्होंने बोला यार ये तो गलत है, ये तो गलत है। मैटर उठाया दीदी ने उधर से, दीदी समझ रहे हो ना, दीदी ममता दीदी ने, एटा चौलबे ना है ना चौलबे, तुमने बोला था तुम टैक्स रेट कम करेगा 25% पे लेके आएगा, किधर गया वादा, सिर्फ जुमला मारता है, किधर गया वादा। मैटर उठा, अपने भाई ने भी मैटर उठाया, है ना, आलू से गोल्ड बनाने वाले भाई ने भी मैटर उठाया। मैटर उठा करके भाई बोलता है यस ये गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वन डे आई वेक अप एट नाइट, मुझे ये थॉट आया, उधर ऊपर अपने मफलर वाले बाबा ने भी चिल्लाया। मैं इन सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जस्ट एक माहौल के लिए ये कर रहा हूं, तो प्लीज कोई ऑफेंड मत होना। हमारे मफलर वाले बाबा ने भी इशू उठाया, ये गलत है ये। हमने दिल्ली की सरकार, हमने दिल्ली की स्कूलों के अंदर में इतना बेहतरीन काम किया, जितने कमिटमेंट दिए थे पूरे किए, ये लोग कुछ नहीं कर रहे। महाराष्ट्र से भी आवाज उठी, जर टैक्स रेट कमी केला नाही मारल्याशिवाय राहणार नाही, राइट। तो हर एक उधर नीचे हैदराबाद से भी आवाज उठी, मोदी साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। द पॉइंट इज, सबको समझ में आ गया कि भैया 1% तो इनने कम कर दिया था, लेकिन वादा है, जुम्मे का वादा है, निभाना तो था ही, निभाया नहीं, अब करोगे क्या। फिर इसी बीच 2016 के अंदर में नोटबंदी, 2017 के अंदर में जीएसटी, मतलब लोग ऑलरेडी गुस्से में थे और गुस्से में आ गए। उनने बोले ये सिर्फ सब फालतू की बातें, ये सब कुछ नहीं होने वाला, अच्छे 15 लाख रुपए आएंगे, किधर है, किधर है 15 लाख रुपए। यानी आप देखो 2018 तक के क्या हो गया था, बहुत बड़ा सिचुएशन खड़ा हो गया था, नोटबंदी आ गई थी, जीएसटी आ गया था, ऑलरेडी राम मंदिर के ऊपर के इशू चालू थे, और ऐसे बहुत सारी अन्य चीजें चालू थी। तब जाकर के 2018 के अंदर में निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, उस साल कुछ नहीं हुआ। 2019 फिर से इलेक्शन आया, बोले अब हम करेंगे, डोंट वरी, अब तेरा भाई करेगा, जो थारा भाई टैक्स रेट कम करके दिखाएगा। 2019 इकोनॉमिक स्लोडाउन चालू हो गया था। इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों चालू हो गया था, क्योंकि इंडिया ई व्हीकल्स पे शिफ्ट हो गया था। ई व्हीकल्स पे शिफ्ट होने का डिसीजन 2019 के अंदर में लिया गया कि दैट बाय 2030 हम लोग ई व्हीकल्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। जिसके कारण हुआ ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन आया सबसे पहले। क्यों, क्योंकि ये डिसीजन अचानक से आया हुआ डिसीजन था, नो कंपनी इन इंडिया वॉज द देन रेडी कि वो ई व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होंगे। वहां इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण बहुत सारे एंसिलरी सेक्टर के अंदर में स्लोडाउन आ गया, अब कुछ तो करना ही था। 2019 के अंदर में, 2019 के अंदर में ये लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, राइट, 2019 के अंदर में ये लोग कहते हैं, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1920 में खड़े रहके क्या बोल रहे हैं, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1819 में 50 करोड़ से नीचे टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, उसका टैक्स रेट 25%, बचे हुए का टैक्स रेट 30%। वापस से सुनिए स्टेटमेंट को, 1920 में खड़े रहके कहते हैं, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1819 में, 1920 नहीं, 1819 प्रीवियस ईयर में उसका टर्नओवर अगर 50 करोड़ के नीचे, कितने की चिल्लर बाटी, 50 करोड़ के नीचे है, तो उसका टैक्स रेट 25%, बची हुई कंपनीज का टैक्स रेट 30%। ऑल बिग कंपनीज जिन्होंने सपोर्ट किया था, दे बी लाइक मस्त, मैं क्या करूं, मर जाऊं, मेरे को फीलिंग नहीं है। 50 करोड़ का चिल्लर बांट रहा, 50 करोड़ का टर्नओवर फर्म अचीव कर लेता है, 50 करोड़ के टर्नओवर में। अगर एक स्टॉक ब्रोकर है, मेरी बात समझिए साहब, अगर एक स्टॉक ब्रोकर भी है, राइट, फ्यूचर्स ऑप्शन में 50 करोड़ खेल डालता, उसका स्टेटमेंट निकाल करके देखना, 50 करोड़ का कोई गेम है क्या। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आपने देखिए ऑडिट किया है, समझ रहे हो, आप लोगों ने ऑडिट किया है, आप समझ सकते हो मेरी बात को, 50 करोड़ का टर्नओवर, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, 50 करोड़ का टर्नओवर कोई बहुत बड़ा टर्नओवर थोड़ी ना साहब, अचीव हो जाता है बहुत इजीली। यस, अगर कोई 2 व्हीलर भी बेच रहा है ना आपके सिटी में, उसका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर होगा आराम से। 4 व्हीलर बेच रहा है तो कंफर्म ही होगा,
टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर, आप उसको बड़ी कंपनीज भी लाइक मस्त क्या गाजर दिखाया ना, सब कंपनीज का 25% कर देंगे, लाया किसके लिए? एफएम दीदी भी लाइक रुको जरा सबर कर, करेंगे अगले साल पुढ़चा वर्षी लव करें। 2021 आया, 2021 आया, उन्होंने ये लिमिट को जेन्युइनली इंक्रीज किया। उन्होंने कहा अगर किसी का 1920 में अर्लियर ईयर्स में टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है, अब इस टर्नओवर को 50 से कहां पे लेके चले गए 250, क्योंकि सारी कंपनीज एजिटेशन पे उतर गई, आपने कमिटमेंट कुछ और किया था, आप कर कुछ और रहे हो, अब इस लिमिट को 50 से डायरेक्ट 250 पे शिफ्ट किया। बोला अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर के अंदर में 250 करोड़ से कम है तो आपका 25%, बचे हुए का 30%। सारी बिगीज, सारी बिग कंपनीज मस्त, छोटी कंपनीज को जेन्युइनली बहुत फायदा हो गया। क्यों? 30% से सीधा 5% कम आ गया, उनका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया। लेकिन बड़ी कंपनीज भी लाइक मस्त गाजर दिखाया, हमारे एम्प्लॉय ने सालों वोट किया है, इनको समझ में आया। नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर के अंदर में इन्होंने इस 250 की लिमिट को कर दिया 400 करोड़, इस लिमिट को क्या कर दिया 400 करोड़। और निर्मला सीतारमण जी का स्पीच अगर आप सुनेंगे फाइनेंस एक्ट 2011 का, 400 करोड़ करते वो कहती है मुझे बहुत प्राउड होता है कि 99.3% कंपनीज इंडिया की इस 400 करोड़ के टर्नओवर में आती है और उनको ये बेनिफिट आया है। हालांकि मुझे लगता है ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा गलत है, बट फिर भी अगर आप देखें तो इंडिया की मैक्सिमम 400 करोड़ का टर्नओवर एक अच्छा टर्नओवर है। 400 करोड़ के नीचे का टर्नओवर होगा तो टैक्स रेट 25%, अदरवाइज द टैक्स रेट इज 30%। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं डोमेस्टिक कंपनी को आज के टाइम पे दो टैक्स रेट है, अगर स्पेसिफाइड मेंशनड ईयर के अंदर में टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे होगा तो इट विल बी 25%, एल्स द टैक्स रेट विल बी 30%। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। एट द सेम टाइम 2019 में इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने कंपनीज के लिए अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम निकाली, दो चीज लेके आए 115BAB और 115BAA, ऐसे दो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम निकाला जिसके तहत कंपनीज का टैक्स रेट 15% पे भी लाके खड़ा कर दिया और 22% पे लाके भी खड़ा कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सेक्शन के कंडीशंस में फिट हो रहे हैं। सो करंटली अगर आप देखा जाए तो कंपनीज के टैक्स रेट प्रैक्टिकली 4 है डोमेस्टिक कंपनी के। अगर आप अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स में हैं तो 15%, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम सेकंड में है तो 22%, 25%, 30% चारों रेट दिए हैं। खैर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम को अभी हम बाजू रखते हैं, मैंने आपसे कहा ये पूरा एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे, बाजू कर दो इसको। अब अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक कंपनीज के हाथ में दो टैक्स रेट है 25% एंड 30%। तो सबसे पहले इस लाइन को आप समझ लीजिए, कंपनी मे ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अंडर 115BAA BAB। यानी कंपनीज के लिए, मेरे भाई ध्यान से सुनना ये चार्ट को देखना, इंडिविजुअल्स के लिए 115BAC इज द ऑप्शनल टैक्स स्कीम, कंपनीज के लिए 115BAA BAB 115BA, ये 115BA वर्क नहीं करता बट 115BAB एंड BAA वर्क करता है। यस यहां पढ़िए, यहां पे भी अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2022 से। अमेंडमेंट क्या आया है, यहां प्रीवियस ईयर 1920 था, इसको और एक साल से इंक्रीज करके 2021 कर दिया, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमेंडमेंट क्या है, यहां पे 1920 था, इसको क्या कर दिया 2021, दैट्स इट, खत्म। टर्नओवर लिमिट वही रखी, सब वही रखा है, प्रीवियस ईयर बस बदल दिया। एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका प्रीवियस ईयर क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्या है 2022-23। ये 2022-23 का टर्नओवर देखने नहीं बोल रहे, ये 2021 का टर्नओवर देखने बोल रहे। मतलब हो सकता है 2022-23 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर हो, पर आपको आज का टर्नओवर नहीं देखना है, यू हैव टू सी एटलीस्ट द टर्नओवर ऑफ 2021 टू डिसाइड व्हाट विल बी द करंट टैक्स रेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So, हो सकता है एक कंपनी है जिसका 2021 में टर्नओवर है कितना बेटा 390 करोड़, एंड 2022-23 में इसका टर्नओवर है 480 करोड़, बताइए इन पे टैक्स रेट कितना होगा 25%। यानी करंट प्रीवियस ईयर के टर्नओवर की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है 2021 का टर्नओवर क्या है। पहले ये 1920 था, अमेंडमेंट होके 2021 हो गया, खत्म हो गया विषय,
ठीक है। सो अगर कंपनी का डोमेस्टिक टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा कितने से बेटा, 400 करोड़ से इन द प्रीवियस ईयर 2021, द टैक्स रेट विल बी 25%, एचईसी विल बी 4%। लेकिन कंपनीज के केस में सरचार्ज रेट डिफरेंट है, कंपनीज के केस में सरचार्ज रेट जो है ये डिफरेंट है। इफ द इनकम ऑफ कंपनी एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, इफ द इनकम ऑफ कंपनी एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, सरचार्ज विल बी एट द रेट ऑफ 7%। वेयर एज द इनकम ऑफ कंपनी एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, द सरचार्ज रेट विल बी 12%। क्या मैं कह सकता हूं कंपनीज के केस में सरचार्ज रेट डिफरेंट है? राइट, कंपनीज के लिए 1 करोड़ के ऊपर गया 7%, 10 करोड़ के ऊपर गया 12%। आर यू गेटिंग मी? क्यों ना हम इस पे एग्जाम्पल नंबर 11.1 लिखें। एग्जाम्पल नंबर 11.1, व्हीलन लिमिटेड टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2021 380 करोड़, 21-22 398 करोड़, 22-23 423 करोड़, हैज अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 26 करोड़। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी। बताइए मुझे टैक्स रेट क्या अप्लाई करूं? यस, आपको इस तरह से डिटेल्स दी होगी, प्रॉब्लम में ढूंढना। आपके काम की चीज है प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर क्या है, ये बाकी जितनी भी दी है आपके कोई काम की नहीं है। टोटल इनकम बोलिए कितनी थी, 26 करोड़ रुपी, इसके ऊपर मालिक टैक्स रेट कितना है, डायरेक्टली अप्लाई करूंगा 25%। यस, टैक्स लाइबिलिटी कितने की हो जाएगी, बोलो बेटा, सिक्स करोड़ 50 लाख। एड सरचार्ज कितना होगा एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि इनकम 10 करोड़ के ऊपर जा रही है। इसमें एचईसी ऐड कर दूंगा एट द रेट ऑफ 4%, इज इट 7 करोड़ 57 लाख, 12,000, हाँ या ना?
बहुत हार्ड, यहां कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कोई मैटर ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कोई काम नहीं है। यस चलो जी, अच्छा जी, अगर अब मैं इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, सपोज एक क्वेश्चन देखिए समझदारी के हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। सपोज कर लीजिए माय कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 21-22, व्हाट विल बी द टैक्स रेट? बिकॉज इफ माय कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 21-22 तो मेरा प्रीवियस ईयर 2021 का तो टर्नओवर जीरो ही हुआ, विच इज नॉट एक्सीडिंग 400 करोड़ रुपीज। सो वेदर द टैक्स रेट इज 25% और आई शुड अप्लाई द टैक्स रेट एज 30%, 30-30, 25-30। लॉजिक समझिए, वापस से सवाल पूछता हूं, अगर कंपनी का टर्नओवर 2021 के अंदर में 400 करोड़ से एक्सीड नहीं करता तो टैक्स रेट कितना है? 25%। नाउ माय कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 21-22, सो आई शुड डायरेक्टली अप्लाई 25% और द टैक्स रेट विल बी 30%। वही तो मैं बोल रहा हूं, टर्नओवर तो आपका 400 करोड़ से एक्सीड ही नहीं कर रहा तो 25% रखो। हाँ बट उससे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, 21-22 का टर्नओवर मिलेगा आपको। मेरा भाई कह रहा है कि सर जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल में टर्नओवर देख लो, सपोज 21-22 में इनकॉर्पोरेट हुई राइट, तो भी मेरे मेरे डिसीजन पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को तो टर्नओवर देखना था 2021 का और 2021 का टर्नओवर मेरा तो जीरो है। हाँ तो टर्नओवर जीरो ही हुआ तो 25%। ये भी हो सकता है कंपनी बोले यार मैं वो ईयर में एग्जिस्ट नहीं करती, मैं क्या करूं मेरे को नहीं मालूम। हो सकता है कोई कंपनी आकर के बोले 15-20 करोड़ वाली भी, यार मेरा तो टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं रहा। ये मैटर सीबीडीटी के पास भी गया। हाँ बिल्कुल सही है, मेरा भाई कह रहा है कोई कंपनी उठ करके आएगी 23-24 में, वो बोलेगी कि सर मेरा टर्नओवर तो है ही नहीं, मेरे को आज 25% दे दो। तो ये लॉ का इंटेंशन, लॉ मेकर का इंटेंशन तो डेफिनेटली ये हो नहीं सकता। ये मैटर सीबीडीटी के पास भी गया था, सीबीडीटी ने बोला ईमानदारी से 30%। टर्नओवर नहीं होना इज नॉट अ लॉजिक, सी टर्नओवर कम रहे मेक सेंस, टर्नओवर ही नहीं होना ये अलग विषय है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 21-22 द टैक्स रेट विल डायरेक्टली स्टार्ट एट 30%। Yes, so if you wish to reduce the tax rate, go for alternative tax scheme wherein your tax liability would be 15 or 22 as the case may be. Are you getting my point? अगर आपको tax reduce करने का इतना ही शौक है, आप आओगे directly 30% में ही, otherwise alternative tax scheme लो और वहां पे 15 या 22% दो as the case may be, जो भी तुमको सही लग रहा है वैसा। Make sense? Yes, तो आपको नहीं लगता ये point लिख भी लेना चाहिए? रोज रोज तो विजय सर बोलेंगे नहीं है, है ना? मस्त इधर से ऐसा एरो करने का, इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 21-22 अप्लाई 30%, नॉट 25%, लिक्विडेशन वाली सिचुएशन पे आ गया।
एक एग्जांपल ले लेते वैसे ही ना, मेरा भाई कह रहा है कि सर इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आज 300 हो कल 10,000 पे पहुंच जाए, या कल 10,000 हो आज 200 पे पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। बट प्रोविजन यही कह रही है कि बॉस आपको 2021 का टर्नओवर देखना है, आज का टर्नओवर आपका क्या है इससे कोई लेन देन ही नहीं है उनको। यस, अगर आपको फिर भी टैक्स कम करवाना है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आपके लिए कभी भी ओपन है, 15% पे चल जाओ, 22% पे चल जाओ, सालों तक के नहीं, ये हर साल चेंज हो रहा है, पहले 18-19 था, फिर 19-20 था, फिर 2021 आया, आप समझ रहे। इसीलिए मैंने आपको हिस्ट्री बताई, क्योंकि आप पिछले साल की बुक उठा करके देखोगे वहां पे 1920 दिखेगा। सो अगर कोई बच्चा नवंबर 22 तक का एग्जामिनेशन दे रहा होगा या दिसंबर 22 दे रहा होगा, उसको ये प्रोविजन 1920 से पढ़नी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको ये प्रोविजन 1920 से पढ़नी है, राइट, प्रीवियस ईयर 1920। ओके, इसके अलावा जो भी अदर कंपनीज है, मतलब जो इस सिचुएशन में नहीं बैठ रही, उसके लिए टैक्स रेट कितना है बेटा, बोलो जल्दी से, उसके लिए टैक्स रेट कितना है? 30%। इफ द इनकम एक्सीड 1 करोड़ 7% सरचार्ज, इफ द इनकम एक्सीड 10 करोड़ 12% विल बी द सरचार्ज। यस, नेक्स्ट आते हैं फॉरेन कंपनीज के ऊपर। फॉरेन कंपनीज टैक्स रेट डायरेक्टली 40%। सर फिर फॉरेन कंपनी इंडिया में क्यों वर्क कर रही जीवन में? आप समझे नहीं सर, मान लो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा हो नहीं कर रहा हो, इंडिया का पॉपुलेशन तो कंज्यूम कर रहा है ना, आई गेटिंग माय पॉइंट, तो उनको तो स्टिल इस चीज का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो फॉरेन कंपनीज इंडिया में जो ऑपरेट कर रही है, कैन यू प्लीज नेम 5 कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, 5 फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है? अमेजॉन, मक्सलाइन, मक्सलाइन ही बोल रहे थे ना, मक्सलाइन, कोको कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स अ फॉरेन कंपनी। यस यस, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ फॉरेन कंपनी, नेस्ले इज अ फॉरेन कंपनी। इनके ऊपर टैक्स रेट, फॉरेन कंपनीज के ऊपर टैक्स रेट कितना परसेंट है बेटा? 40%। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इनका आप दिमाग देखिएगा, ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर कर देते, कभी पेप्सी को पलट करके देखना, वहां पे लिखा रहता है पेप्सी को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब वो एक कंपनी इंडिया में इनफ्लोट कर देते। 10% का टैक्स प्लानिंग है यहाँ पे। सो फॉरेन कंपनी अगर विदाउट ऑपरेट, मतलब यहाँ पे कोई क्या नहीं कर रही है, कंपनी नहीं बना रही, वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग इन हिज नेम ओनली, तो इसका टैक्स रेट कितना बनेगा बेटा? 40%। यही वही फॉरेन होल्डिंग में आ जाती है और सब्सिडरी में एक इंडियन कंपनी बना लेती है। अब उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ हो गया? कंपनीज एक्ट 2013, नाउ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, यही 10% का टैक्स सेविंग हो गया उनका। इंडियन कंपनीज में दिखेंगे वो क्या करते हैं, होल्डिंग कर देते। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, पेप्सी को देखो, कोको कोला को देखो, यस, वो लोग क्या करते हैं, पेप्सी को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान यूनिलीवर भी है, सर्च करो, पाकिस्तान यूनिलीवर भी है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी कर देते, इंडिया में कंपनी क्या कर देते, इनकॉर्पोरेट कर देते। नाउ अब वो कौन सी कंपनी बन गई? डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी बन गई, अब उनका टैक्स रेट क्या है? 25 या 30%। तो फॉरेन कंपनी क्या करती है, अगर उन्हें प्लान कर लिया कि भैया इंडिया के अंदर में, बोले जल्दी, हमें बिजनेस करना है, वो क्या करती है प्लान, हम होल्डिंग रहेंगे, यहाँ पे एक सब्सिडरी ओपन कर देंगे, 100% होल्डिंग हम ही होल्ड करेंगे, लेकिन कंपनी का टैक्स रेट कितने पे शिफ्ट हो जाता है? 30, 25, 22 या 15 एज द केस में भी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, सो फॉरेन कंपनीज हु आर डायरेक्टली ऑपरेटिंग इन इंडिया विदाउट एनी 100% सब्सिडरीज, द टैक्स रेट विल बी 40%। सरचार्ज रेट इज डिफरेंट, इफ द इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी एक्सीड 1 करोड़ द सरचार्ज रेट इज 2%, एंड इफ द इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी एक्सीड, बोलो बेटा, 10 करोड़, इट विल बी 5%। यस, सो सरचार्ज रेट इज डिफरेंट ब्रो। इंडिविजुअल्स के लिए सरचार्ज रेट है 15, 10, 15, 25, 35। यस, फर्म्स के लिए और लोकल अथॉरिटी के लिए है 12%, डोमेस्टिक कंपनी के लिए है 7 एंड 12%, फॉरेन कंपनीज के लिए है 2 एंड 5%। यस, बाकी एचईसी विल बी एट द रेट ऑफ 4%। आइए फॉरेन कंपनीज के केस में एग्जांपल डालिए 12.1, ताकि हर तरह के सिचुएशन पे हमारे पास एक एग्जांपल रहे। और याद रखिए ये एग्जांपल है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम में बेटा इसे काउंट नहीं करते।
मिनी सॉय अ फॉरेन कंपनी सेलिंग गुड्स इन इंडिया टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 380 करोड़ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2022-23 460 करोड़ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 2022-23 30 करोड़ कंप्यूट टैक्स Anyone with the answer? एक जवाब आ गया मुझे एक बात बताइए यहां टर्नओवर का कोई लॉजिक नहीं है स्ट्रेट अवे टोटल इनकम पकड़िए वो लॉजिक सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के केस में वो जो प्रोविजन है वो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज की है वो प्रोविजन इनकी है ही नहीं सो टोटल इनकम 30 करोड़ टैक्स रेट 40% टैक्स लाइबिलिटी 12 करोड़ प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 5% सरचार्ज रेट फॉरेन कंपनी के केस में कितना है बेटा 5% इज इट 60 लाख यस इज इट 60 लाख प्रभु 60 लाख वो आ गया ये हो गया 12 करोड़ 60 लाख इंटू 4% विल बी योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 13 करोड़ 10 लाख 40,000 डू यू अग्री आफ्टर HEC सो आफ्टर HEC Your final tax liability would come to 13 करोड़ 10 लाख 40,000. So आप देखिए एक foreign company जो India में operate कर रही है 30 करोड़ रुपए कमा रही है tentatively 13 करोड़ रुपए उसको tax देना है India के अंदर में क्या motivation रहेगा foreign investment India में आने का You tell me one reason क्या motivation रहेगा उसका India में आने का Unless and until वो India में बहुत बड़ा potential देख रहे होंगे यस बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे होंगे उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का कोई लॉजिक ही नहीं दिया आपने उसको फॉरेन कंपनीज के लिए सी ये लॉजिक सही है कि अगर टैक्स रेट कम कर देंगे तो फिर बहुत सारी फॉरेन कंपनी फ्लड आ जाएगी बट एट द सेम टाइम तुमको नेशनल ग्रोथ भी करनी है और टैक्स रेट को भी सेव करना है तो कुछ तो एटलीस्ट कंसिडर करते थे ना जहां तुमने डोमेस्टिक कंपनी के लिए 15 लाया फॉरेन कंपनी लेके कुछ कंडीशंस निकाल करके ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेके आओ कि भैया नॉर्थ ईस्ट में अगर कंपनीज आएगी तो क्या होगा साउथ में आएंगी जो एरिया जो सेक्टर आपको डेवलप करना है वहां फॉरेन कंपनीज लेकर के आ जाओ जम्मू कश्मीर में लेकर के आ जाओ और वहां का अगर कोई फॉरेन कंपनी है जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही है
वहां के लिए लेके आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर के आ जाइए, आपको लगता है इन सेक्टर को डेवलप करना है तो, यस उड़ीसा बिहार उत्तर प्रदेश के लिए लेकर के आ जाइए। तो आप हो सकता है ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज तो आप बेनिफिट दे ही सकते थे कि यहां आओ यहां सेटअप करो, वहां के एरिया के लोगों को रोजगार दो, बेनिफिट। यस खैर, पॉलिटिक्स में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, धंधे पे ध्यान देते हैं। ये क्लियर हो गया प्रभु? आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। अगर आप ध्यान देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन की डेफिनेशन में कहीं कवर नहीं हो रहा, बराबर है? तो इधर इट विल बी क्लासिफाइड अंडर एओपी बीओआई और इट विल बी क्लासिफाइड अंडर एजेपी। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए टैक्स रेट जो रखे गए हैं वो फ्लेक्सिबल रखे गए। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? पहली बात, इनके लिए सेपरेट टैक्स रेट की जरूरत क्या पड़ी? अगर आपको याद हो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बाद लेकर के आए, जिसकी शुरुआत हुई थी अमूल कंपनी से। यस अगर आपको याद होगा व्हाइट रेवोल्यूशन, लोगों ने दूध सड़कों पे ढोलना चालू कर दिया था बिकॉज उनको वो प्राइस नहीं मिल रहा था, जिसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट का शुरुआत होता है। वहां से हमारी इंडिया की एक सबसे सफल कंपनी आज के तारीख में अमूल जन्म लेती है। अब कोऑपरेटिव जैसे ही सक्सेसफुल हुए, ऐसे अलग 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 सेक्टर्स के अंदर में कोऑपरेटिव डेवलप होना शुरू हुआ, जिनमें बैंकिंग आया, यू नो फार्मा फार्मा आए, इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आए। यस इनमें जो छोटे छोटे गृह उद्योग लघु उद्योग आए, इनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने शुरू हुए। अब इनको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, इनका जो टैक्स रेट रखा गया ये फ्लेक्सिबल रखा गया। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम पहला 10,000 के ऊपर जो टैक्स रेट रखा गया वो सिर्फ 10% रखा गया, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर सिर्फ 20% रखा गया, एंड बैलेंस के ऊपर 30% रखा गया। आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है, सर 10,000 से क्या ही होने वाला है, मतलब ये क्या सोच करके बनाया? ये आज का नहीं है, बहुत पहले का लॉ है। पहली बात तो ये समझ लो, आज के हिसाब से डेफिनेटली ये रिवाइज होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लाख या 10 लाख पे रिवाइज होना चाहिए, बट उनने आज तक ये किया नहीं है। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एसेंशियल जो एंगल होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैक्सिमम इनकम जो होती है ये डिडक्शन में मिल जाती है, एटीपी में। कुछ ही इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऐसी होती है जो टैक्सेबिलिटी में आती है। यस उसमें भी मतलब एटीपी का आपको ऑलरेडी ह्यूज डिडक्शन मिल चुका है, 100% का डिडक्शन मिलता है प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो अलग। कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेशन में जाएंगे तब देखेंगे, शायद इसी मॉड्यूल में चेक करना, राइट? इसके बावजूद भी अगर कोई इनकम आती है तो 10% पहले 10,000 पे, दूसरे 10,000 के ऊपर 20%, एंड बैलेंस इनकम के ऊपर कितना परसेंट बेटा? 30%। यस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 1 करोड़ के ऊपर गया, सरचार्ज रेट इज 7%, वेराज अगर ये कितने से ऊपर चला गया बेटा, 10 करोड़ के ऊपर चला गया, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा बेटा? 12%। यस एचईसी 4% से तो है ही, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। इज दैट डन? अच्छा जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपना एक सेपरेट टैक्स स्कीम लेके आया, 115 BAD, यहां लिखिए 115 BAD। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेकर के आया, जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को 22% से टैक्स देने के लिए कहा गया। इसलिए अगर आप देखोगे नीचे रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 115 BAD का ऑप्शन दिया गया है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 115 BAD। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपनीज इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स, इनके लिए क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। इनके लिए क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, जिसको हम ऑल टुगेदर सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दिस सेक्शन रिक्वायर यू टू हैव नॉलेज ऑफ सर्टन अदर सेक्शन एज वेल, एंड हेंस इट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन डिटेल। आपको बाकायदा लिख करके दे दिया। यस बेटा, कंपनीज के केस में नॉर्मल तरीके से जब आप टैक्स निकालते हो वो तो निकालते ही हो, कंपनीज के ऊपर मैट प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है, कंपनीज के ऊपर मैट प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है, तो हमें वो भी ध्यान रखना होगा। वैसे इंडिविजुअल्स के ऊपर AMT का प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है, तो हमें वो भी ध्यान रखना होगा, राइट? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके मन में तुरंत एक सवाल उठा होगा, तो सर कंपनीज के केस में टैक्स क्या पे करना है, नॉर्मल ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम या फिर मैट? वैसे मैं आपको बता दूं, अगर कंपनीज ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेती है तो मैट प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, या तो फिर ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम या तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। अगर कंपनी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं लेती तो मैट और नॉर्मल इनकम टैक्स, विच एवर इज हायर,
वापस से सुनिए इस पॉइंट को। अगर कंपनी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेती है तो मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर है? तो कंपनी या तो अल्टरनेटिव टैक्स पे करेगी या तो इनकम टैक्स पे करेगी। अगर कंपनी ने अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट नहीं किया तो फिर नॉर्मल या मैट विच एवर इज हायर, खत्म हो गई बात। यस और नो प्रभु? चलिए दैट्स इट। यहां पे आपका अदर टैक्स रेट भी खत्म होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ याद रखना है, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। इज दिस डन? आप देख सकते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एंड पे आ गए हैं। टैक्स कैलकुलेशन हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एंड पे आ गए। शुरुआत से लेकर के जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने सारी चीजें खत्म कर दी है। आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 के एंड पे आ गए हैं अपन लोग। यू मैन चेक करो पेज नंबर 1, ये देखो शुरुआत यहां से की थी, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स से। नए नए आए थे आप, कौले कौले एकदम, यहां से शुरुआत करी थी। यहां पे गए लॉ कैसे वर्क करता है, यहाँ से निकले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझी, यहाँ से आगे गए बजट समझा, बजट से आगे गए सेक्शन 1। सर एक मिनट, हम कहाँ हैं? सेक्शन 4 पे। अभी भी आप सेक्शन 4 पे ही हो? एक मिनट, ओ भाऊ आप हो अभी भी सेक्शन 4 पे ही। सेक्शन 4 का ये लास्ट वर्ड था, रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो हम रेट ढूंढने निकले और वो ढूंढते हुए अपन ने इतना सब खत्म कर दिया। हमें वापस सेक्शन 4 पे आना होगा सब खत्म करने के बाद, तो जाके हमारा चैप्टर खत्म होगा। फिर हम पर्सन पे गए, असेसी पे गए, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एक्सेप्शन टू इट, इनकम, और यहां से हम लोगों ने टैक्स शुरुआत करी। अगर आपको याद हो शायद परसों से हम लोग टैक्स ही पढ़े जा रहे हैं अलग अलग, परसों से या कल से, परसों से हम लोग क्या पढ़े जा रहे हैं? टैक्स कैलकुलेशन ही पढ़े जा रहे हैं, जो अब तक के चल रहा है। आज का लेक्चर भी ऑलमोस्ट उसी पे खत्म होगा, राइट? अब एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है इस पूरे चैप्टर के अंदर में, राइट? वो है मार्जिनल रिलीफ। क्या है बेटा? मार्जिनल रिलीफ। कुछ केसेस में ये रिलीफ सिर्फ नाम का रिलीफ है, एक्चुअल रिलीफ नहीं है कुछ केसेस में। हालांकि मैक्सिमम ऑफ द केसेस में मार्जिनल रिलीफ वर्क करता है। मार्जिनल रिलीफ मैं आपको कंसेप्ट से पढ़ाने की जगह प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहूंगा, एक प्रॉब्लम दे करके, ठीक है? एक प्रॉब्लम देखिए। सपोज मेरी इनकम है 50 लाख रुपीज, डॉट मेरी टोटल इनकम है 50 लाख, अभी लिखना कुछ भी मत, ठीक है? सपोज मेरी टोटल इनकम है 50 लाख रुपीज, डू यू अग्री? एंड द अनदर केस, सपोज मेरी टोटल इनकम है 51 लाख रुपीज। चलिए टैक्स निकालते हैं, बता भाई आप सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करके बताते जाइए, मैं निकालते जाता हूं। इनकम अप टू 10 लाख रुपीज, बराबर 1,12,500, बैलेंस बचा 40 लाख, इस पे टैक्स रेट आएगा कितना परसेंट बेटा? 30%। ये आया 12 लाख रुपीस, मेरा टोटल टैक्स बना 13,12,500 रुपीस, डू यू अग्री? बराबर इस पे सरचार्ज आने वाला नहीं है बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख। इस पे HEC जरूर आएगा एट द रेट ऑफ 4%, करेक्ट? एट द रेट ऑफ 4% जो भी अमाउंट आएगी वो, और आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा। अब यही 51 लाख पे करते हैं। चलो एक काम करो, फाइनल अमाउंट निकाल ही लो, ये आया 52,500, तो 13,65,000 इज योर फाइनल आंसर, बराबर? यानी अगर असेसी 50 लाख रुपीज अर्न कर रहा है, द टैक्स विल बी 13,65,000, द टैक्स विल बी 13,65,000। अब 51 लाख पे टैक्स निकालते हैं, यहां तक के 10 लाख रुपीज तक की इनकम पे अगेन 1,12,500, बैलेंस बचेगा 41 लाख, इस पे टैक्स रेट 30% लगाएंगे, हाउ मच? 12 लाख,
12,30,000 टोटल टैक्स बना 13,00,000 42,500। वेट, क्या अब सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%? यस, 134,250 टोटल कितना हुआ? 36,750। बराबर, इसमें एचईसी भी ऐड हो जाएगा एट द रेट ऑफ 4%, 59। टोटल कितना हुआ? 15,00,000। बराबर, मैंने एडिशनल इनकम कितनी कमाई? मैंने एडिशनल इनकम कितनी कमाई? 1,00,000। मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया? रफली 1,70,000 समथिंग। कौन से देश का न्याय है? नहीं, ये क्या क्या सुन के लॉ बनाया है? हा, एक मिनट, टैक्स पेयर एओ एओ आके बोलता है, हाँ चलिए लाइए सर, 15,35,800 समथिंग निकल, लाइए लाइए जल्दी लाइए। अच्छा जी सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, जरा ठहरो, क्या है जीवन में? मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1,00,000। मैं टैक्स कितना दे रहा हूं उस 1,00,000 कमाने के लिए? 1,70,000। इधर बैठ, इधर बैठ बैठ बैठ, इधर समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हो? एक्स्ट्रा कितना कमाया मैंने? 1,00,000। टैक्स कितना मांग रहे हो मेरे से? 1,70,000। अबे इंडिया में ना मैक्सिमम टैक्स रेट 30% है, ये 170% ले रहे हो तुम। 100 रुपए कमाया उस पर 170 का टैक्स। हाँ, इससे अच्छा तो नहीं कमाता मैं, नहीं ऑनेस्टली नहीं कमाता मैं। उसको टाइम देता, चिल्लाती रहती, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। कहां से वर्किंग एनी मोर होगा? कहां से वर्किंग एनी मोर होगा? साले ऐसे कोई लॉ बनाता है? क्या बना के रखा है तुमने? 1,00,000 कमाया साहब, बुरा मत मानी, कितना कमाया मैंने? 1,00,000। टैक्स कितना दे रहा हूं? 1,70,000। कौन से देश का कानून है? नहीं, कौन से देश का कानून है साहब ये? समझ आ रहा है आयरनी क्या है? अब यहां पे आयरन, हाँ पर सर आपने, आप समझे नहीं सर, जैसे ही इनकम 50,00,000 के ऊपर जाता है सरचार्ज इज एप्लीकेबल। अरे मोर उड़ाओ, मेरे को क्या करना है? मैं क्यों ये बेयर कर रहा हूं? ऐसे केस में आदमी टैक्स चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? टैक्स चोरी करेगा वो, या तो अपनी इनकम ही वो 50,00,000 से नीचे दिखाएगा, या तो अपनी इनकम वो 54-55 में कुछ दिखाएगा जहां ऐसा कुछ लफड़ा ना हो रहा हो। बोले जब दिखाना ही है, लगनी है, तो पूरी लगाओ। 99.999999999% चांस है वो 50,00,000 के नीचे ही दिखाएगा। समझ रहे हो बात को? अब आप मुझे बताओ, ऐसे केस में बेचारे की क्या गलती है? सही है, तुमने लॉ ही ऐसे बना के रखे रखे, उसके लिए क्या बेनिफिट दिया उसको? अब बाबा, बाबा का अवतार होता है, बाबा बोलते हैं मैंने समझ गया तुम्हारी सारी तकलीफ, मुझे तुम्हारे सारे दुख दर्द समझ आ गए, मैं तुम्हारे लिए मार्जिनल रिलीफ लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? मार्जिनल रिलीफ। मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊंगा? मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला जाएगा? उन्होंने कहा कैलकुलेट टैक्स अप टू विच सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। उस अमाउंट पे टैक्स निकालिए जहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब टैक्स ऑन 50,00,000, उस लिमिट तक के टैक्स निकालिए जिस पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। बराबर है, टैक्स ऑन 50,00,000 या 13,12,500। बाजू देख लीजिए, 50,00,000 पे टैक्स कितना आना है? बराबर है, एड इनकम, जितनी आपने एडिशनल इनकम कमाई वो एड कर दीजिए, दैट इज 51,00,000 माइनस 50,00,000, टोटल इनकम माइनस 50,00,000, कितना ऐड कर दीजिए? 1,00,000। अब आपका टोटल टैक्स कितना हुआ? 14,12,500। बस खत्म, बूम। इस पे 4% का एचईसी लगा दो, सरचार्ज लगाने की जरूरत नहीं। इस पे 4% का एचईसी लगा दो, सरचार्ज लगाने की जरूरत नहीं।
बधाई हो, आपके यहाँ टैक्स निकला है, आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गया 14,69,000। अ पर्सन जिसको समझ में आया ये, मस्त, बहुत बढ़िया। चुनिंदा लॉ बनाया तुमने, बड़ा चुनिंदा लॉ बनाया तुमने। अब भी तो मैं मेरी इनकम के ऊपर ही पे कर रहा हूं 4,000, 4% का सरचार्ज। काय का रिलीफ दिया तुमने, जितना कमाया उतना तो टैक्स ले लिया वापस मेरे से। मैंने कितना अर्न किया था एडिशनल 1 लाख, वो बोल रहा है पूरा का पूरा 1 लाख टैक्स को दे दो। और एक मिनट, मार्जिनल रिलीफ के नाम पे मेरे को रिलीफ मिलना चाहिए था 1 लाख ऐड करते, इस 1 लाख का 4% भी तो नीचे ऐड हो रहा है। अभी भी मैं 1 लाख कमा के 1,04,000 ही दे रहा हूं। एक काम करो ना, एक काम करो, मेरे को तो लगता है मैं सरकार से एक नया निगोशिएशन करूं, ठीक है? सरकार जितना कमा रही है उतना मैं कमाऊं और मेरा काम सरकार कर ले, मस्त डील है, चलता मेरे को कभी भी। साले बिजनेस मेरा, रिस्क मेरा, कैपिटल मेरा, दिन भर की मगजमारी मेरी, और उसके बाद में टैक्स तुम लेके जाते हैं, और बदले में क्या सर्विसेस। मेरे घर के बाजू का गड्ढा ना आज तक सुधरा नहीं। टैक्स पेयर को देखो गुस्सा आएगा, एक बात समझना, वो अपना जेन्युइन कंसर्न रेज कर रहा है। आज भी तुम उसको इस सरचार्ज के नाम, यहां पे सिर्फ सरचार्ज नहीं ले रहे पर टेक्निकली आज भी वो 1 लाख के ऊपर 1,04,000 ही पे कर रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। क्या रिलीफ मिला उसको? फिर उसने पूछा, अच्छा एक बात बताओ इसमें रिलीफ क्या है? उसने बोला देखो सर, पहले आप कितना भर रहे थे 15,35,850, अब आपसे कितना भरवाया जा रहा है 14,69,000। रिलीफ सर, क्या चुनिंदा लॉ बनाया है ना, सही है कि नहीं? बहुत चुनिंदा लॉ बनाया है। लाइक आई सेड, कुछ केसेस में मार्जिनल रिलीफ सिर्फ नाम का रिलीफ है। ये कोई रिलीफ है? क्या रिलीफ है ये जीवन में? ये कोई रिलीफ है जीवन में? समझ रहे हो बात को? ये लॉ बनाया है इन्होंने। हाँ, हालांकि आप अगर बड़े लेवल पे जाओगे तो इसमें आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ कब और किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट नंबर वन, मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसी। मार्जिनल रिलीफ अप्लाई तब करता है जब आपका एडिशनल इनकम अर्निंग के कारण आपको सरचार्ज का इंपैक्ट आ रहा है। आपको किसका इंपैक्ट आ रहा है? सरचार्ज का इंपैक्ट, बिकॉज ऑफ विच द टैक्स पेबल एक्सीड द इनकम अर्न्ड, बिकॉज ऑफ विच द टैक्स पेबल एक्सीड द इनकम अर्न्ड। इसके कारण ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है जहां पे आपके इनकम अर्न से ज्यादा आपका टैक्स पेबल आ जाता है, वहां आपको सरकार क्या देती है? मार्जिनल रिलीफ देती है। वहां आपको क्या देती है सरकार? मार्जिनल रिलीफ देती है। तो ऐसे केस में जरा चेक कीजिएगा, जरा चेक कीजिएगा, सरचार्ज रेट, सॉरी मार्जिनल रिलीफ, पेज नंबर 1.8 इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपकी इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में है, 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में है, कैसे निकालोगे टैक्स? कैसे निकालोगे? इनकम टैक्स एंड सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, आपका इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज कैसे निकलेगा? टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख पे आप टैक्स निकालो, प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख, मतलब जितना आपने 1 लाख एडिशनली अर्न किया है वो पूरा का पूरा सरकार को दे दो। एंड इसके साथ साथ आप क्या ऐड करोगे? HEC, ये बनाओ यहां पे। इसके साथ यहां पे सिर्फ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज लिखा है, HEC इसमें अलग से ऐड होगा। समझ में आया? एक मिनट, सॉल्व वन, एरो करके लिखिए, सॉल्व वन। बराबर है? इधर देखिए, अगर आपका टोटल इनकम, प्रॉब्लम नंबर वन, पेज नंबर 1.11, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व दिए हैं। इफ योर इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज, इफ योर इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज, आई थिंक इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज आपका इतने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यहां पे HEC नहीं है, दिस इज विदाउट HEC, लिख दो
बाद में कंफ्यूजन नहीं, दिस इज विदाउट एचटीसी। एचटीसी लगेगा यस, हम सिर्फ टैक्स और सरचार्ज कितना रिस्ट्रिक्ट होगा उस पर गेम खेल रहे। इफ योर इनकम इज 50 लाख रुपीज, द टैक्स विल बी 13,12,500, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। सरचार्ज लगने वाला नहीं है, सरचार्ज लगने वाला नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? दूसरे पॉइंट पे आते हैं, 51 लाख। अगर 51 लाख है तो आप क्या करोगे? यू विल कैलकुलेट द टैक्स अप टू 50 लाख रुपीज। 50 लाख तक का टैक्स कितना आने वाला है बोल मेरे बच्चे? 13,12,500, यस और नो? 13,12,500। इसमें ऐड कर दोगे आपने जितना एडिशनल इनकम अर्न किया, कितना एडिशनल इनकम अर्न किया मेरे बच्चे? 1 लाख। तो 13,12,500 प्लस 1 लाख कितना होगा? 14,12,500। आपका टैक्स भले ही निकल रहा हो लॉ के हिसाब से 14,76,750, पर योर टैक्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 14,12,500 आफ्टर कंसीडरिंग मार्जिनल रिलीफ, आफ्टर कंसीडरिंग मार्जिनल रिलीफ। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस। चलिए अब यही चीज 1 करोड़ के लिए भी करते हैं, 1 करोड़ के लिए भी करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पे सिर्फ 1 करोड़ के लिए टैक्स निकाल लिया। सपोज मेरी इनकम .1 करोड़ है, कैलकुलेटर लीजिए, मेरा टैक्स निकाल लिया। सरचार्ज भी तो ऐड करोगे, 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है तो 10% का सरचार्ज भी तो ऐड करोगे। इज योर आंसर 30,93,750? सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में आपका सरचार्ज जरूर ऐड होगा। ये रहा आंसर, 30,93,750 आया वही। अब सपोज कर लो कि तुम्हारी इनकम है 1 करोड़ 2 लाख, अब टैक्स निकालो। सपोज कर लो 1 करोड़ 2 लाख है, मार्जिनल रिलीफ के साथ निकालो, मार्जिनल रिलीफ के साथ निकालो, रफ पेज यूज करो, निकालो, इधर मत देखो, आंसर को मत देखो। 1 करोड़ 2 लाख आपकी इनकम है, वन करोड़ टू लाख में से 10 लाख बाजू कीजिए, बचे हुए पे 30% लगाइए, 12,500 ऐड कर दीजिए। इसमें सरचार्ज भी ऐड होगा 10% का, 15% का, बराबर है? कितना टैक्स आ रहा है? सिर्फ टैक्स की अगर मैं बात करूं, सिर्फ टैक्स की, सो 1 करोड़ 2 लाख में से आप क्या करोगे? 10 लाख माइनस करोगे, बचे हुए पे 30%। सिंस इनकम 1 करोड़ के ऊपर जा रही, सरचार्ज कितना परसेंट लगाओगे? 15%। यस? अरे हाँ या ना? टैक्स निकाल के बताओ। चलो कुछ लोगों के लिए टैक्स निकालो, 1.02 करोड़, इसमें से 10 लाख तक का टैक्स आ रहा है, 1,12,500, बैलेंस कितना बचता है? 92 लाख, पे कितना परसेंट? 30%, 27,60,000, टोटल कितना हुआ? 28,72,500। सरचार्ज कितना ऐड करूं? एट द रेट ऑफ 15%, टोटल आता है 330,3375। अग्रीड और नॉट? यानी आपका सरचार्ज प्लस टैक्स निकलता है 330,3375। ये हुआ आम जिंदगी। अब यही अगर मार्जिनल रिलीफ से निकालते तो तुम क्या करते? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, 1 करोड़ तक का टैक्स निकालते और जितना एडिशनल इनकम अर्न किया है वो पूरा का पूरा ऐड कर देते, टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ पे टैक्स निकालो, चलो जल्दी से। 1 करोड़ में से 10 लाख हटाइए, बैलेंस पे 30% डालिए, प्लस 1,12,500, टैक्स ऑन 1 करोड़ आया 28,12,500। अग्रीड? इस अग्रीड? अग्रीड?
आ रहा है ना, प्लस उसमें सरचार्ज ऐड करोगे एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि 1 करोड़ तक के तो 10% ही एप्लीकेबल है। 281250, यस, प्लस यहां के 2 लाख जो आपने एडिशनल कमाए वो भी ऐड कर दो, इज इट 32,93,750? आम तरीके से कैलकुलेट करते तो 33,03,000 आता, मार्जिनल रिलीफ से कैलकुलेट कर रहे हो 32,93,000 आएगा। चेक करो आया क्या वही 32,93,750। डेफिनेटली इसमें एचईसी ऐड होंगे हर जगह पे, ठीक है, हम सिर्फ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल रहे हैं। समझा या नहीं समझा सभी को, एवरीबॉडी, जितने लोग ऑनलाइन भी है, समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा प्रभु, यस और नो? जिसको नहीं समझा, प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, वही पूरा सॉल्व है, ये सिर्फ समरी टेबल है। तो जिसको जिसको अभी तक टैक्स नहीं जमाऊंगा, ये पूरा यहां लिखा है, यही क्वेश्चन है, यहां सॉल्व है, यही क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व है, यही क्वेश्चन है आगे का भी सॉल्व है, ये सिर्फ एक समरी टेबल है, पर मेरे को लगता है समरी टेबल से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वापस से, अब 2 करोड़ पे टैक्स निकालिए, चलो 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 मेहनत करो, 2 करोड़ पे टैक्स निकालो, टैक्स निकालो 2 करोड़ पे, शॉर्टकट देखने का नहीं, सिर्फ तुमने तुम्हारी मेहनत करने का, 2 करोड़ पे टैक्स निकालो। इफ योर इनकम इज .2 करोड़ व्हाट विल बी द टैक्स? चेक करिए 2 करोड़ में से, हम एचईसी की हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज की बात कर रहे हैं, इसमें एचईसी डेफिनेटली ऐड होगा, राइट? इसमें से 10 लाख माइनस कर दिया, बचे हुए पे 30%, ऐड 1,12,500, प्लस 15% का सरचार्ज भी लगेगा, क्यों? क्योंकि इनकम अगर 1 से 2 करोड़ के ब्रैकेट में है तो सरचार्ज लगेगा। क्या आपका आंसर भी मेरे जैसे 66,84,375 आ रहा है? ये रहा आपका आंसर, यहां तक के खुशी हो रही है, जीवन में कुछ सही कर रहे हैं। अब यही इनकम 2 करोड़ 3 लाख कर दी मैंने, 2 करोड़ 3 लाख, नॉर्मल तरीके से भी निकालो, 2 करोड़ 3 लाख पहले नॉर्मल तरीके से निकालो, मार्जिनल रिलीफ बाद में निकालेंगे। इज इट 73,78,125? डू यू अग्री? बराबर है, यही मार्जिनल रिलीफ के साथ निकालो। अब मार्जिनल रिलीफ के साथ निकालना है मतलब क्या करना है, इधर देखो, अग्री करोगे तो ही आगे बढ़ना। टैक्स ऑन 2 करोड़ निकालोगे प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़, वॉट एवर इज योर टोटल इनकम माइनस 2 करोड़, बराबर है, निकालो टैक्स ऑन 2 करोड़ निकालो, सरचार्ज 15% ही ऐड करोगे तुम, एवरीबॉडी, इज इट 68,86,84,375 प्लस कितना ऐड कर दोगे 3 लाख, सो टैक्स प्लस सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 69,84,375। देखो अब मार्जिनल रिलीफ बड़े अमाउंट पे वर्क कर रहा है, ये अच्छा खासा गैप है, अब उसकी एडिशनल इनकम एडिशनल टैक्स से ऊपर जाएगी इफ एनी, यस, अब मार्जिनल रिलीफ वर्क कर रहा है। छोटे लिमिट्स पे मार्जिनल रिलीफ ने वर्क नहीं कर रहा था, 50 लाख 1 करोड़, वहां तो उल्टा हमारे जेब से जा रहा था, यहां पे हमने एडिशनल कितना कमाया 3 लाख, टैक्स देखो उससे कम आ रहा है क्या, चेक, इज योर आंसर रिस्ट्रिक्टेड टू 69,84,375 ब्रो? इसमें अभी एचईसी ऐड होगा फिर राउंड ऑफ होगा, ये सिर्फ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज है, यस। चलिए लास्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 करोड़ पे टैक्स निकालिए,
सभी को क्लियर हो रहा है? जितने बच्चे ऑनलाइन हैं आपको भी क्लियर हुआ मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। इज इट 1,85,15,625? देख लीजिए आपका आंसर, मजा आ रहा है, धनाधन निकलते जा रहा है। अब यही इनकम है आपकी 5,05,00,000, सीधा मार्जिनल रिलीफ बताओ। 5,05,00,000 सीधा मार्जिनल रिलीफ बताओ, कैसे निकालोगे? टैक्स अप टू 5 करोड़ अलॉन्ग विद अ सरचार्ज ऑफ 25% प्लस 5 लाख। मैच कर गया आंसर? और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है, 2,04,00,000 जाने से बेटर है 1,90,00,000 जाए। यहां रिलीफ है उसको, देखो उसने एडिशनल कितना कमाया था, 4 लाख, लेकिन यहां उसको रिलीफ मिल रहा है टैक्स से 4 लाख से ज्यादा का। यहां मार्जिनल रिलीफ वर्क कर रहे हैं, छोटे अमाउंट्स पर मार्जिनल रिलीफ का कोई सेंस नहीं है। आहो, वैसे अगर आपको शॉर्टकट में टैक्स नहीं भी जम रहा होगा, डोंट वरी, मैंने जानबूझ करके यही टेबल को नीचे देके सॉल्व किया है। पहले 1,02,00,000 पे आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप 2,02,00,000 पे आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप 5,02,00,000 पे आंसर क्या आएगा। यही चीज मैंने वापस से भी सॉल्व की है, आप देख सकते हो। पर कुल मिलाकर के मेरे को इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि पिछले 4 दिन से आप और मैं एक साथ मेहनत कर रहे हैं और हमने शॉर्टकट के टेबल में ही अपने आंसर निकाल लिए। यस, तपस्या सफल हुई, समझ में आ रही बात? तपस्या सफल हुई। अब आप मेरे से ये जरूर पूछेंगे कि सर मार्जिनल रिलीफ एग्जाम में आता है क्या, क्योंकि ये एक्चुअली टीडियस टास्क है, इतना एक सब बैठ करके कैलकुलेट करो। और अभी अच्छा लग रहा है बेटा, अभी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। यस, इनकम टैक्स के 43 टॉपिक के बाद मजा नहीं आएगा कि कौन सी चीज किधर से क्या याद रखनी है, माइंड भी अभी तुमको मजा आएगा, पर डीटी में 43 टॉपिक्स है। जैसा कि मैंने कहा, तुम पहले पे हो इसलिए बहुत मजा आ रहा है, जब तुम यू नो टीडीएस पे पहुंच जाओगे ना, तो टीडीएस के भी रेट याद रखो और ये सब भी याद रखो, पॉसिबल नहीं है। बट खैर, सम अप करता हूं, एग्जाम के अंदर में हार्डली 7-8 अटेम्प्ट के अंदर में एक आध बार पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो इस कंसेप्ट को एग्जिस्टेंस में है पूछा नहीं जाता। एग्जिस्टेंस में जरूर है, क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व जरूर किए जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको इस कंसेप्ट पर टेस्ट करने से अच्छा हो सकता है कहीं और टेस्ट करे। ये इनकम स्लाइटली ऊपर है, एग्जामिनर को भी समझता है कोई भी व्यक्ति स्लाइटली ऊपर अपनी इनकम नहीं दिखाएगा, या तो वो नीचे दिखाएगा या तो वो ऊपर दिखाएगा, इस कंसेप्ट पर आपको आकर के नहीं रोकेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप ये देखोगे, अगर आप ये देखोगे कि लोकल अथॉरिटी और फर्म के केस में ये कैसा रहेगा, सेम वही। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। सपोज इनकी इनकम 1,02,00,000 है, 1,02,00,000, तो यू विल कैलकुलेट द टैक्स अप टू 1 करोड़ प्लस, आप क्या करोगे, टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। ठीक उसी तरीके से कंपनीज के केस में भी 1 करोड़ और 10 करोड़ के ऊपर है, टैक्स अप टू 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, और टैक्स अप टू 10 करोड़ अलॉन्ग विद अ सरचार्ज ऑफ 7% प्लस टोटल इनकम माइनस 10 करोड़। फॉरेन कंपनीज के केस में भी सरचार्ज के रेट के साथ 2% और 5% एज द केस मे बी। क्या मैं कह सकता हूं मार्जिनल रिलीफ हर एसएससी को मिलता है? आंसर इज यस, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू All SSC, marginal relief is available to all SSC. Yes, that's it. ये वही चीज वापस से सॉल्व की है, तो इसको वापस से पढ़ के कोई नया नहीं करना है, आपने ये निकाल दिया, ये काफी है। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे हमने एग्जाम्पल मिला के? करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे आराम से, सिर्फ एग्जाम्पल मिला करके भी। देख लीजिए,
बाय दिस एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपका मॉड्यूल का पूरा कंटेंट आपकी बुक में कवर्ड है, आपको कहीं कुछ और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही पढ़ लिया था। और खैर आप खुद भी समझ सकते हैं हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव में कवर किया हुआ है उसको, कहीं कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सिर्फ अलग अलग किताब अगर तुम देखते हो तो सिर्फ उसमें नंबर बदलने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? सिर्फ नंबर बदलेगा। और तुमने 1000 देखा तो 1000 बुक के अंदर में अलग अलग नंबर बदलेंगे, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। सो साहब चैप्टर नंबर 1 को अगर देखा जाए तो हम चैप्टर नंबर 1 को कंक्लूड कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर में हमारा सिर्फ एक चीज बाकी है, मैं वो आपको बता दूं, इनकम के डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स बाकी है जो मैंने आपसे कहा कि समय समय पे आने पे ये चीज दी जाएगी। यस सर, और प्रैक्टिस करना है मेरे को, और क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे को, और टैक्स कैलकुलेशन की इच्छा है, डोंट वरी, मैं आपको जो क्वेश्चनेयर बुक दे रहा हूँ उसके अंदर में सॉल्व्ड क्वेश्चन ही दिए मैंने, स्टिल आप उसको रफ के अंदर में क्या कर सकते हो, सॉल्व। टिल दैट टाइम जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसको भी अगर रफ में सॉल्व कर लोगे तो भी तुम्हें सारी चीज जम जाएगी, बाकी फिगर आप अपने मन से कुछ भी उठा लो। सर मैंने फिगर उठाई तो मैं टेस्ट चेक कैसे करूंगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं है? एक यूटिलिटी होती है गूगल पे, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर नाम की, आपका मोबाइल अगर होगा तो चेक कर सकते हैं आप। एक इनकम टैक्स पर यूटिलिटी होती है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक यूटिलिटी है इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, उसके अंदर में आप अपनी इनकम को डाल दीजिए, आपको आपका फाइनल आंसर वहां दिख जाएगा कि ये सही है या नहीं है। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो, जब आप क्या बन जाते हो, प्रोफेशनल बन जाते हो, तो उसके बाद आप कैलकुलेट करके पेपर पे, आपने कभी देखा है अपने बॉस को पेपर पे लेकर के ऐसे फॉर्मेट बना के टैक्स निकालता है? या तो वो सॉफ्टवेयर विनमैन, यस, या तो फिर वो इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर पे जाता, डिटेल्स डालता और बाहर आ जाता। वैसे देखना चाहोगे इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है? रुको बताता हूँ, दो मिनट हो जाएगा कनेक्ट, हो रही है। हाँ गूगल पे जाइएगा, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर डालिएगा, पहला ही वेबसाइट आपको दिखेगा incometaxindia.gov.in। ये वेबसाइट से मैंने आपको ऑलरेडी रूबरू कराया है, इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन ये कैलकुलेटर बनाते वक्त भी उनने गलती की है, पूछो कैसे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम को अलग से नहीं दिखाया है, जिसके कारण आपका जो सरचार्ज वाला डिफरेंस है उसका आंसर आपको इधर देखने को मिलेगा। बट अदरवाइज अगर आप वो सरचार्ज, वो 15% वाला डिविडेंड का पार्ट छोड़ देते हो तो बाकी सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर जाकर के चेक कर लीजिए, ऑलरेडी असेसमेंट ईयर 23-24 आ चुका है, राइट? तो आपने सिलेक्ट कर लिया, नीचे जाकर के इंडिविजुअल जो भी आप जिसके लिए निकाल रहे हो वो सिलेक्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC। आई होप आप समझ रहे हैं अब ये क्या है। फॉर द टाइमिंग हम डाल देते हैं, हमने सिलेक्ट नहीं किया, राइट? मेल फीमेल डाल दीजिए, खैर आज इससे फर्क नहीं पड़ता मेल या फीमेल, सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन से फर्क पड़ता है क्योंकि स्लैब रेट सेम है, राइट? रेजिडेंशियल स्टेटस डाल दो रेसिडेंट। अब क्या करो, लेट से मैंने मेरा PGBP का इनकम डाल दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लाख रुपीज। टैक्स पता है ना आपको कितना आना है, 1,12,500 प्लस एप्लीकेबल HEC, राइट? हम चले गए गो में, जैसे ही आप गो जाओगे नीचे देखिए इनकम लाइबल टू टैक्स कितनी हुई, 1,12,500। नीचे इंटरेस्ट एंड अदर चीज़ों का कुछ होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग से दिखता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नीचे जाइए, 1,12,500, सरचार्ज रेट आपका 0, HEC 4,500, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 1,17,000 रुपये, ख़त्म। तो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, आपके ऑफिस में ये नहीं सिखाया होगा मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें एक गलती है जो मैं आपको अपफ्रंट बता दूँ, राइट? इसमें एक गलती है, जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो डिटेल्स में जाओगे ना, यहाँ पे उन्हें डिविडेंड का एक सेपरेटली रखना चाहिए था जब से डिविडेंड टैक्सेबल हुआ, बट इट सीम्स कि जब से इन्होंने वेबसाइट को अपडेट करने के लिए दिया कुछ ग्लिचेस रह गए, उनमें ये भी एक ग्लिच रह गया, ये भी एक ग्लिच रह गया, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड इनकम आनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप सरचार्ज कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर मैच नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि डिविडेंड पे सरचार्ज रेट का डिफरेंस आपको पता है, वो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? एल्स आपका सब कुछ मैच कर जाएगा,
एंड इनफैक्ट यहाँ पे आप 234 एबीसी का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर इज द यूटिलिटी. यो मैन, वैसे कभी इनकम टैक्स पढ़ने की इच्छा हो जाए, मेरे को एक्ट ही पढ़ने का है, चलो वित्त सिखाया तो प्रैक्टिकल कुछ और सिखा देता हूँ. यस, इनकम टैक्स की वेबसाइट है incometaxindia.gov.in, याद आ रहा है? यहाँ पे जाना, यहाँ पे नीचे जाना, यहाँ पे देखो लिखा है एक्ट रूल्स सर्कुलर, यहाँ पे जाना एक्ट में. मैंने आपसे कहा था ना सब कुछ यहीं मिलेगा, यहाँ पे जाना एक्ट में. दुनिया भर के जितने एक्ट है सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें जाना इनकम टैक्स एक्ट पे. आप जैसे इनकम टैक्स एक्ट पे जाओगे, ये लो सेक्शन नंबर डालो, बाजू में लॉ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर डालो बाजू में लॉ लिखा हुआ है. शायद मैंने कुछ ओपन कर लिया, सेक्शन 5 ओपन कर लिया. ये देखिए सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए. ये प्रोवाइडेड दैट वर्ड नहीं समझ रहा मेरे, इन तीन पॉइंट को ये एक्सेप्शन है. कुछ याद आया क्या? सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए, इसके नीचे क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन. ऐसे बैर एक्ट मिलता है, समझ में आई बात? तो अगर कभी बैर एक्ट ढूंढने की इच्छा हो या कोई सेक्शन को मेरे को बैर ही पढ़ना है, यहाँ आ जाओ, बिल्कुल पढ़ लो, कोई तकलीफ नहीं है. सर मेरे को इससे रिलेटेड रूल्स भी पढ़ने हैं, मतलब इस सेक्शन से रिलेटेड रूल्स पढ़ने हैं, कोई तकलीफ नहीं है. नीचे इस ऑप्शन में आकर के देखोगे तो वहां पे रूल्स दिखते हैं, इसको क्लिक करो. सेक्शन 5 से रिलेटेड जितने भी रूल या एफएक्यूज होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे. ये आपको वही टीचर बता सकता है जो प्रैक्टिस में खुद है, समझ में आई बात? ये आपको वही बता सकता है जो खुद प्रैक्टिस में है. अब यहां से तुरंत आप इसको रूल रीड करोगे, रूल रीड करके जो भी अप्लाई करना है अप्लाई कर लेना. याद है ना स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में सारी चीजें एक साथ आती है. यस, चलो इसके बाद आप इसे मस्त यहां से कट कर देना, कट कर देना. इनफैक्ट रूल्स पढ़ना है तो रूल्स पढ़ सकते हो, नीचे टेक्स्ट सर्च करना है. मान लो अगर किसी चीज का सेक्शन याद नहीं आ रहा, सिर्फ टेक्स्ट याद है, तो टेक्स्ट डाल देना, उससे भी कोई सेक्शन यहाँ पे बाहर आ जाएगा. राइट, ये ऑलरेडी अपडेटेड है फाइनेंस एक्ट 2022 से. इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स पढ़ने की इच्छा है, इंटरनेशनल टैक्स लॉ ट्रिटीज पढ़ना है तुम्हारे को, बोले इंडिया सिंगापुर की जो ट्रिटी हुई है 128 पेज की, वही पढ़ेगा हमें. ये इधर इंटरनेशनल टैक्स दिया है, ठीक है, इसको ऐसे खोलना, यहाँ पे DTAAs दिखेंगे, DTAAs पे क्लिक करना. ये लो अलग अलग कंट्रीज के साथ जो हमारे DTAA हुए उसकी पूरी लिस्ट, एडन के साथ क्या हुआ है, अफगानिस्तान के पास क्या हुआ है, अफ्रीका के साथ क्या हुआ है, अर्मीनिया के साथ, अर्जेंटीना के साथ, जितनी कंट्रीज के साथ हमारे DTAA बने हैं ये पूरे दिए हुए हैं. भयानक 10-15 पेज है, जाकर के आराम से एक एक जिस कंट्री की इच्छा हो जाए इसके साथ पढ़ना है पढ़ लेना, करने तुम कुछ नहीं वाले, मेरे को भी पता है स्टिल, ठीक है. इनकम टैक्स सर्विसेज में अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इनकम टैक्स सर्विसेज में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टैक्स कैलकुलेटर अभी मैंने आपको बताया, टैक्स कैलेंडर कौन सा कंप्लायंस कब करना है, राइट. इसके बाद में टैक्स चार्ट्स एंड टेबल्स, ये जो चार्ट मैंने आपको दिया है वो एक्चुअली यहाँ से लाया हुआ है, राइट, टैक्स चार्ट्स एंड टेबल्स. इसके बाद में कुछ एफएक्यूज होंगे तो वो टैक्स ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पे है, टैक्स के हेल्पलाइन नंबर और टैक्स की यूटिलिटीज सब यहाँ से मिलती है. एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि भैया अगर हमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, कोई बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चीज होंगी तो वो यहाँ ऐड कर देते, आप यहाँ आके पढ़ते बैठो ऐसा, क्योंकि इनका कोई यू नो कॉल सेंटर नहीं है. कॉल सेंटर पे आप कॉल भी लगाओगे, इन्होंने एक नंबर दिया है, लगता नहीं है. हाँ, मैक्सिमम टाइम पे इन्हें सेम ही यूज किया जाता है, अलग अलग नहीं यूज किया जाता है ना. डिक्शनरी मीनिंग दोनों के अलग है, डिक्शनरी मीनिंग दोनों के अलग है, बट हम जब ये प्रोविजन रीड करते हैं तो दोनों को सेम ही. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने आपसे वही कहा कि भैया कुछ लोग ये वर्ड यूज करते हैं, कुछ लोग ये वर्ड यूज करते हैं, बट इनकम टैक्स में हम इसको एक ही मानते हैं. यस सर, इज इट डन? बस तो फिर आज के लिए काफी है. चैप्टर नंबर 1 हम यहां पे खत्म कर चुके हैं. उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर में. यस और नो? मजा आया, चलो ठीक है. चैप्टर नंबर 2 कल से बहुत ही प्यारा टॉपिक चालू होगा, नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही प्यारा टॉपिक चालू होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज. हम असेसमेंट प्रोसीजर चालू कर रहे हैं जो आपकी जीवन भर का ब्रेड एंड बटर वाली चीज है, जीवन भर के लिए. क्योंकि देखो इन सब में काम नहीं है, आप अगर इनकम कमाने का वेल्थ बनाने का सोच रहे हो ना तो इससे कुछ नहीं होने वाला,
सादे रिटर्न भर के आपको भी मालूम है वेल्थ क्रिएट नहीं की जाती। वेल्थ क्रिएट होती है जब सामने वाला क्लाइंट केस में फंसे जिसमें आपको सर्विसेज ज्यादा देने का मौका मिले। तो अब इसके आगे का जो पोर्शन शुरू हो रहा है, 1 मिनट के लिए अगर आपके पास नोट्स है तो सिर्फ पेज पलट के देखिए, एक पूरा चार्ट है असेसमेंट का। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही पेज पलट के देखिए, एक पूरा चार्ट है असेसमेंट का। ये जो चार्ट है असेसमेंट वाला चार्ट, ये मेरा कॉपीराइटेड बनाया हुआ खुद का है, पिछले 10 साल का जो भी टैक्स का एक्सपीरियंस है वो इस चार्ट पे उतार दिया। आपको समझ आएगा कि ये एक चार्ट आपके अगले 10 चैप्टर का लिंक है, ये एक चार्ट अगले 10 चैप्टर का लिंक है आपके, कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, कब भरा जाता है, क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर में दी हुई है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रिटर्न एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, जहां से आपका पूरा असेसमेंट चालू हो रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगले कंप्लीट 20-22 दिन बिल्कुल लेक्चर मिस करने की गलती मत करना, एक भी नहीं ट्राई करना, ना हो पाए, क्योंकि अब पूरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट आ रहा है। थ्योरी आपको, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, एओ से कैसे डील की जाती है, बात कैसे किया जाता है, सेट कैसे होता है, जब रेड पड़ती है क्लाइंट क्या, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या होता है, फिर जब क्लाइंट बोलता है नहीं मैं तो डिडक्शन लूंगा ही, मेरे लिए अपील फाइल करो, तो अपील फाइलिंग कैसे होती है, ये सारा प्रैक्टिकल पार्ट आपको सीखने को मिलेगा। ये वो वाला पार्ट है जो आप में से बहुत कम बच्चों ने ऑफिस में किया होगा, करने को ही नहीं मिलता। आपको मैक्सिमम ऑफिस में क्या करने को मिलता है, रिटर्न भरने को मिलता, एनओसी पे साइन करवा, टैक्स ऑडिट सबमिट कर, ये तीन काम होते हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको शायद असेसमेंट का राइटअप बनाने मिल जाए कि भैया असेसमेंट का राइटअप बना, पर असेसमेंट एक्चुअली कैसे वर्क करता है ये अब आप सीखोगे। डन है मालिक, सी यू, बाय बाय, टेक केयर इन द नेक्स्ट लेक्चर।